महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, मैंने थंबनेल डाल दिया था दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि जिस तरीके से आप सब भी वाकिफ होंगे इस बात से कि जो हो रहा है पाकिस्तान में, किसी से छुपा नहीं है, इट्स आउट इन द ओपन। तो यही है कि आज हम यही बात करेंगे कि इतना ज़्यादा एक इस्लामिक देश इनको चाहिए था, भाई खुदा हमारी हिफाजत करेगा। आप अगर क्रिकेट देखने से पहले भी अगर आप देखेंगे तो इनके तेवर कुछ और ही होते हैं। आप अगर गौर फरमा रहे होंगे इस बात का कि जब भी ये क्रिकेट के मैदान में भी इंडिया से स्पेशली जब ये आमना सामना होता है तो इनको मतलब उनको बस एक ही चीज होता है कि हमारा खुदा है, हमारी जीत तय है। यू नो दैट एटीट्यूड दे हैव एंड आई हैव ऑलवेज सीन इट। मैंने तो बचपन से ही देखा इनका एटीट्यूड। तो ये जिस तरीके से आज जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, जो हालात से ये लोग गुजर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। एंड उसके ऊपर जो शाबाज शरीफ है, ये जो कहता है ना, ये एक ऐसे स्टेटमेंट देता है कि हमें बड़ी शर्म आ रही है भाई किसी से भी हाथ फैलाने में, या हमें बड़ी शर्म आ रही है कि हम कैसे किसी से भीख मांगे। भीख तो मांग ही रहे आप, और आपने जो इंडिया के साथ किया है ना, जो भी आपने इंडिया के साथ किया है, आई वुड से कर्मा, आप लोगों का कर्मा है जो आपके आपको घूम फिर के आपके पास आ रहा है। क्योंकि इतना ज्यादा इन्होंने मतलब तीन वो हार गए, ऑल द थ्री वॉज दे हैड विद अस, हार गए, तीनों में हार गए, ये एक है। और ऊपर से इतनी मतलब आई वुड से कि इनको आप अगर देखेंगे कि बहुत पहले बेनजीर भुट्टो के पिता जो आई थिंक जुल्फकार भुट्टो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो ये जब होते थे ना तब ये क्या करते थे, इन्होंने क्या एक वो दिया था, एक बयान दिया था कि हम भले घास खाएं लेकिन हमें न्यूक्लियर पावर चाहिए ही चाहिए हमारे कंट्री में। दे वॉन्टेड इट सो बैडली, दे वुडन बॉदर एंड दे हैव कम टू अ स्टेज कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर तो है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर पावर है, बट वॉट अबाउट पीपल? पीपल आर डाइंग फॉर अ सैक ऑफ व्हीट, फॉर अ सैक ऑफ मतलब एक आटे की बोरी के लिए लोग मर रहे हैं, आटे की बोरी के लिए, खाने के लिए लोग तड़प रहे हैं। इट्स सच अ सैड स्टेट, यू नो, आप अपने कंट्री को ऐसे सैड स्टेट पर लेकर आए हो कि आपको हर जगह हाथ फैलाना पड़ रहा है। एंड दिस इज नथिंग न्यू। अगर आप देखेंगे तो इमरान खान जो था, उसने भी तो कहा था ना कि मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। उसकी बड़ी बड़ी बातें थी, मैं साइकिल पे जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं साइकिल पे जाऊंगा। जैसे ही वो मतलब लाइक व्हेन दे सी दीज बाहर के कंट्रीज के जो हमारे जो होते हैं इनके प्रेसिडेंट्स, दे आर वेरी वेरी सिंपल बिकॉज दे आर अकाउंटेबल, वो अकाउंटेबल होते हैं अपने हर एक चीज। जैसे अभी हुआ ना जो हमारे आई थिंक क्या नाम है उनका, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, जो इंडियन जो अभी यूके में जो बने हैं, जरा प्लीज मुझे नाम याद दिला दो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो वो उन्होंने चार्टर्ड प्लेन लेकर कहीं गए, ही वॉज, अगर किसी को याद आ रहा है तो मुझे प्लीज नाम बता दो। ओ माई गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट द नेम। एनीवे, मैं यहाँ पर पहले वैदिक जी को ले रही हूँ, आई विल एड हिम टू द स्ट्रीम एंड दिस इज एन ओपन स्ट्रीम, एनीबडी कैन कम एंड एनीबडी कैन टॉक एंड दिस इज ओनली गोइंग टू बी फॉर 1 आवर एंड 1 आवर मींस 1 आवर। हम सीधा बात करेंगे, जो हम यहाँ वहां की बात नहीं करेंगे। पहली बात तो और कोई बात नहीं करेंगे टुडे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी अदर कि आप यहाँ की और सनातन की और इसकी और उसकी बातें करो, ठीक है? उसके लिए भी मैं चैनल आई विल यू नो मेक स्पेशल स्ट्रीम्स फॉर दैट, जब आप जुड़ो और उसके बारे में बात करो। सो बहुत बहुत नमस्ते वैदिक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मुझे जरा याद दिलाओ उनका नाम, जो यूरोप के जो वहां के जो यूके के जो हमारे इंडियन है, तो उन्होंने जब एक प्लेन, अभी यू सॉ द न्यूज के उन्होंने उनको कितना बैकलैश हुआ बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू, लेकिन हमारे यहाँ तो छोड़ो, पाकिस्तान में जैसा अगर आप देखोगे तो इमरान खान ने बड़ी बड़ी बातें की थी दैट इफ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर आई विल सी टू इट दैट आई विल ब्रिंग ऑल टू सच ग्लोरी, और मैं क्या रियाज से मदीना बना दूंगा और मैं खुद साइकिल पे जाऊंगा।
That those were his words. Right. And where the country has gone today, you can see. So will you say something, Vedik ji? आप भी कुछ इस पे रोशनी डाली है जी? Right. I mean, मैं कहूँगा, देखिए, जिस देश की जो परिस्थिति होती है, देश का जो भविष्य होता है, वो उसकी मूल संस्कृति, उसकी मूल आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं तय करती है. क्योंकि उसकी मूल संस्कृति और उसकी मूल आइडियोलॉजी वहाँ के लोगों का मानसिक भरण पोषण करने के काम में आती है. अब जिस प्रकार की संस्कृति उनकी है, जिसके मूल सिद्धांत में ही आपको ये बता दिया जाता है कि आपका जो भविष्य है वो मरने के बाद स्टार्ट होगा, आपके उन्नति है, जो तरक्की है, जो है, वो सब कुछ आपको मरने के बाद मिलेगा. जब इस प्रकार का माइंडसेट आपके बाल्यकाल से ही आपके मन में बच्चों के डाल दिया जाता है, तो फिर वो जीते जी कुछ करके दिखाना, जीते जी कुछ इनोवेशन करना, जीते जी कुछ तरक्की करना, देश को आगे लेके जाना, उस चीज को लेकर वो इतने गंभीर नहीं हो सकते हैं. जी हाँ, सही बात. कहीं ना कहीं उसी चीज की कीमत जो है वो पाकिस्तान चुका रहा है. और आप देख रहे होंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो वहां पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो रो रहे हैं. और ऐसे ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो कि कट्टर मुसलमान हैं, ईश्वर में बड़ी कट्टर आस्था है, अल्लाह के लिए रो रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन अल्लाह उनको एक किलो आटा नहीं दे पा रहा है, एक किलो आटा उनको नहीं दे पा रहा है. ठीक है, जबकि वो अपने आपको उम्मा का सबसे बड़ा वो रहनुमा मानते हैं. इसके बाद उनका ये हाल है, और ये हाल उनका ऐसा ही बना रहेगा जब तक कि इनकी बुद्धि में कहीं ना कहीं इस बात का प्रकाश नहीं आ जाता, इस बात की समझ नहीं आ जाती कि आज उनकी जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं वो उनकी विचारधारा के कारण है. तो जब तक इस चीज पर वो लोग, उनकी कॉन्शियंस उनको नहीं लेकर आएगी, तब तक उनका इस चीज से, इस मुसीबत से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है. इवन इफ अगर इस बार वो निकल भी जाए तो अगली बार ऐसे फंस जाएंगे कि निकल नहीं पाएंगे. और आप देख रहे होंगे पाकिस्तान अब टूटने की कगार पे है. अब तो बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, और भी कई ऐसे प्रांत हैं पाकिस्तान के जो, जहाँ पे लोग अब निकल के आ रहे हैं, कह रहे हैं हमें भारत के साथ जुड़ने दो, और क्या कहते हैं, या हमें अलग करो, ऐसे करके. तो ये तो टूटने ही वाला है पाकिस्तान. अब तो मुझे लगता है कि बस कुछ महीने और आप देखेंगे इसको टूटते हुए. जी हाँ, तो ये जो जिस तरीके से, मतलब पहले से अगर आपने, मैंने भी बहुत सुना था ये, जब न्यूक्लियर पावर के बारे में इतना वो कर रहे थे कि वी वांट दिस, वी वांट, मतलब इन्होंने पब्लिक को एज ये जो कॉम जो कहते हैं, इनकी उम्मा जो है, इसको ध्यान में नहीं रखा. इन्होंने ये नहीं सोचा कि व्हाट इज द नीड ऑफ अ कंट्री फर्स्ट, यू नो, वो नहीं. सिर्फ हमारे से उनको बस किसी तरह से, अगर इंडिया में है तो व्हाई नॉट अस, यू नो, दैट काइंड ऑफ डर्टी माइंडसेट है इन लोगों का, बहुत गंदा. कि अगर इंडिया के पास कोई चीज है, अगर इंडिया कोई चीज, जैसे वो पोखरान का जो हुआ था, जो वो सारा हुआ था, सो दे आर सच लायर्स, फर्स्ट थिंग, तो दे आर सच लायर्स व्हेन दे डिनाइड. जब जियाउल हक ने पूरे इसमें डिनाई किया था कि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, हमने ऐसी चीज बनानी नहीं है, तो इन्होंने कभी भी अपने जो उम्मा है, जो अल्लाह रसूल की बातें हैं, जो ये है, मतलब वो पब्लिक को नहीं रखा एज अ, यू नो, के प्रायोरिटी पे पब्लिक को बिल्कुल नहीं रखा. उन्होंने क्या रखा, ज्यादातर पहले तो दुश्मनी, इनके जो दिल में है वो दुश्मनी बहुत है, स्पेशली फॉर अस. मैं एक ही बात सोचती हूँ कि अल्लाह कहाँ है, जहां तुम हर बात में अल्लाह अल्लाह करते हो, वेयर इज खुदा तुमको आज, जी हाँ, कि आज तुमको बचाने के लिए कोई भी नहीं है. तुम्हारे मौलवी बोलो, तुम्हारे जो इतने अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, और जो इतना खूनखार, मतलब उनकी जो जबान होती है फॉर अस, फॉर काफिर्स एंड फॉर एवरीबडी, तो कहाँ है ये सब लोग कहाँ है आज, क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहा है इसके बारे में. इट्स वेरी सैड स्टेट, यू नो, इट्स रियली सैड. तो मैं यही कहती हूँ कि जो अल्लाह अल्लाह कहते हैं वो आज कहाँ पर है, आपको क्या लगता है? जी, राइट. नहीं, आई मीन अल्लाह को प्रमोट करने वाले जो कोर सऊदी अरब है, वो सऊदी अरब आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने रिसेंटली, अब उन्होंने, उनके जो विदेश मंत्री, उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम हमारे लोगों के टैक्स का पैसा इन भिखारियों को नहीं देंगे, और क्या कहते हैं, हम अपना पैसा वेस्ट नहीं कर सकते इनके पीछे. अब इतना जोर का तमाचा पाकिस्तान के ऊपर, वो भी मुस्लिम मुल्क से, जो कि इनका कोर, इनके कौन के, हाँ, जो इन लोग इतना ज्यादा सऊदी को वो करते, वो तो पूछते ही नहीं है इनको, वो तो दे डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर
एनी अदर मुस्लिम्स देन के जहां पर उनके जो है जो उनके स्पेशली जो मतलब कन्वर्टेड नहीं हो, तो ये तो कन्वर्टेड ही है आफ्टर ऑल, पाकिस्तानी जितने भी हैं ये भी तो कन्वर्टेड ही है ना, कहां पर से ये तो सब कन्वर्ट होके ही वो हुए, इनके जो अगर पीछे देखने जाओ तो सब हिंदू ही थे. सो इट्स सच अ बिग स्लैप ऑन द फेस, सही में बहुत बड़ा स्लैप है. देखिए इसमें जो सबसे मैं चाहता हूँ कि जो हमारे देश में जो मुसलमान हैं और इवन जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं वो एक चीज पे जरूर गौर करें, उन लोगों ने उनके देश में उन्होंने किसी काफिर को टिकने नहीं दिया, चैन से जीने नहीं दिया, उन्हें हैरत उनकी बेटियों के साथ उन्होंने वो सब कुछ किया जो उनकी किताबें उन्हें कह रही थी, उन्होंने वहां मंदिर तोड़े, उन्होंने वहां मस्जिद बनाए, उन्होंने इस्लाम का वहां परचम लहराया, इस्लाम के सिद्धांत पे उन्होंने देश बनाया, हर वो चीज उनकी किताब कह वो सब कुछ उन्होंने किया, तो आज वो भूखे क्यों मर रहे हैं, फिर भी क्यों अल्लाह उन्हें आटा नहीं दे पा रहा है, ये वो आकर हमें बताए. ठीक है, क्यों उनकी उनके देश की कोई इज्जत नहीं है पूरी दुनिया में, वो आकर हमको बताएं. क्यों अमेरिका अब उनको जो नाटो के जो एक ऑनलाइन मेंबर्स है उनमें से भी उनको हटा रहा है, क्यों सऊदी उन्हें एक पैसा देने को तैयार नहीं है, क्यों उनका अपना पक्का दोस्त जो चीन है वो उनको लताड़ रहा है, वो उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा है, अल्लाह उन्हें आटा नहीं दे रहा है, उनके वहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग बड़ों ने कुछ गलत किया हो अल्लाह बड़ों से नाराज है, लेकिन उनके ऊपर आ रहा है. सही बात है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, और उस चीख में भी उनके मुंह से एक ही चीज निकल रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह. तो आखिर अल्लाह उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है जिन्होंने हर वो काम किया जो किताब में लिखा हुआ है. जी ठीक है ना, तो ये मूल प्रश्न है. आई वुड से कि ये तो उतने बड़े मुस्लिम्स है कि सऊदी वाले भी नहीं है, इतना फॉलो करते हैं भाई, इतना फॉलो करते हैं अपनी एक किताबों को, इतना ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन इनको कोई राहत नहीं मिली अल्लाह से. जी हाँ, तो वैदिक जी आप बन के रहिए, मैं जरा राम सिंह जी से और सनातन जी से बात करती हूँ, आप प्लीज बने रहिए. राम सिंह जी बोलिए. नमस्ते माता जी. नमस्ते और नमस्ते. सभी सनातनी भाइयों, वैदिक जी आपको भी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और सनातन जी आपको भी राम राम, सबको मेरी तरफ से जी बहुत बहुत धन्यवाद. माता जी आपने आज से, मैं आपको माता जी कहूंगा कि माता जी आपने अपनी स्ट्रीम पर मुझे जुड़ने का जो सौभाग्य प्राप्त किया उसके लिए मैं आपका हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ. स्ट्रीम सुनी मैंने, देखी अभी आपकी, और वैदिक जी की भी मैंने विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, बिल्कुल सत्य बात कही है, तथ्यों पर आधारित है, निसंदेह कोई भी इन्होंने गलत बात नहीं कही पाकिस्तान के वास्तविक चरित्र के ऊपर. अब मैं आता हूँ मूल बात पर. जी. पाकिस्तान बना था 47 में इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर और कलमे के नाम पर बना था. ठीक है, मोहम्मद बनाने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा था कि ये एक इस्लामिक राष्ट्र बनेगा. ठीक है, बना कलमे के नाम पर भी बना. 27 लाख लोगों की, 27 या 21 लाख जो भी है, मेरे को इतना करेक्ट पता नहीं है, 21 से 27 लाख लोगों की खून पर, उनकी लाशों पर पाकिस्तान बनाएगी. इतनी शर्म की बात है. उसके अंदर कई बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवा हुई, लाखों लोग अपने ही देश के अंदर दर बिदर हो गए, भिखारी हो गए. मेरे को पता, मेरा तो जन्म हुआ नहीं उस जमाने में, मैंने अपने दादाजी से सुना उसके जमाने में. मेरे दादाजी उस समय शायद 20 या 21 साल के थे, उनकी उम्र थी. ठीक है, तो वो उस समय पाकिस्तान के मीरपुर के अंदर खेती सीखने गए थे, खेती सीखने. तो उन्होंने अपना आंखों देखा हाल सुनाया मुझे. ये आंखों देखा हाल उन्होंने मेरे को 2002 में सुनाया. उन्होंने कहा, बेटा बड़े बदतर हालात थे उस जमाने के अंदर. ठीक है, और हिंदुओं को तो जहां देखा जा रहा था वही उनका, समझ गए ना आप, मैं क्या बोलूं अब, औरतों के साथ में बच्चों, मतलब कहता हूँ चलो ठीक है आपने चोरी की, मकान लूटे, चलो कोई बात नहीं, छोटे बच्चों पर तो दया दिखाओ, उन्होंने क्या बिगाड़ा आपका, उनसे किसी की क्या शत्रुता, क्या दुश्मनी. चलो ठीक है, अब आता हूँ दूसरी बात, मुद्दा लंबा हो जाएगा. मेरे को एक बात बताओ, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के 1 से 1.5 साल बाद में, इसकी जो बहन थी फातिमा, जिसको ये फाती बोलता था, इसकी बायोग्राफी पढ़िएगा फातिमा की, मैंने पढ़ी है इसकी बड़ी डिटेल में जाकर. इसने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना का जब जीवन का अंतिम समय आ गया, तब वो जो अपने सरकारी बंगले में थे या जहाँ पर वो रहते थे, वहां पर एम्बुलेंस बुलाई गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सुबह से शाम हो गई, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में बैठा के जब इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो बीच में एम्बुलेंस खराब हो गई, दूसरी एम्बुलेंस बुलवानी थी, कुछ ही मीटर का डिस्टेंस का फासला था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई. सुनिएगा मेरी बात को, तो जिन्ना
तड़प तड़प के मरा और उसने मरते मरते अंतिम सांस में अपनी बहन फाती से कहा, फाती मैंने दुनिया का सबसे बड़ा अगर गुनाह अजीम किया तो पाकिस्तान बना के किया है मैंने। मरते मरते भी मोहम्मद अली जिन्ना को अपने गुनाह का एहसास हो गया, क्यों कि उसको पता चल गया कि जो मैंने अपने ख्वाबों का पाकिस्तान बनाया था मैंने, उसकी सजा ऊपर वाले ने दे दी है मुझे, जिन लोगों के लिए बनाया आज वो लोग भी मेरे जीवन के अंतिम साथ में मेरे साथ में नहीं। बताओ आप जी, सही बात है, ये मोहम्मद अली जिन्ना के मुंह के शब्द थे। अब आता हूँ दूसरी बात पे, फिर मैं अपना कट आउट करता हूँ, फिर मैं बाहर निकलता हूँ, ठीक है। बड़ी ये ज्ञानवर्धक बातें, आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देख ले आप, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे, जिस देश की नींव ही कट्टरता के आधार पर रखी गई है, जिस देश की नींव ही आतंकवाद के नाम पर रखी हुई गई है, जहाँ पर दूसरे जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है, हिंदू सिख जैन पारसी बौद्ध, जिनके धर्म का जिनके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई वजूद नहीं है, सुनिएगा, केवल और केवल इस्लाम खुदा, इस्लाम खुदा। चलो ठीक है, आप इस्लाम खुदा को मानते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जो माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है उनके सारे अधिकार आप लोगों ने छीन लिए। बड़ा दुख होता है, मैं जिस प्रांत में रहता हूँ वहां पर पाकिस्तान के लाखों शरणार्थी रहते हैं। मैं आपको कभी एक वीडियो बना के भेज दूंगा, उस पर भी कभी एक लाइव स्ट्रीम रख लीजिए आप, ठीक है। और मैं तो इतना इंसान हूँ, मैं फेस दिखाने को भी तैयार हूँ, सामने आकर बात करने को भी तैयार हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, सच बोलने से खुला खाता है यहाँ पर, ठीक है। अब कहता हूँ, अब लोग कहते हो ये है जिस देश में, आप बोलते हैं जमहूरियत, जमहूरियत कहाँ है मेरे को पहले ये बताओ, पाकिस्तान में कहाँ है, कहाँ, चार बार मार्शल लॉ लग गया, जिस देश की सेना स्टेट गवर्नमेंट का भी काम करती है, रियल एस्टेट का भी काम करती है, सीमेंट भी बनाती है, सिनेमा हॉल भी चलाती है, ठीक है, दलाली भी करती है, सब काम करती है, ठीक है। आप बताइए आप उस देश का बंटाधार होगा कि नहीं होगा, मेरे को पहले ये बताओ आप। और उसके बाद में शेख रशीद, जैसे देखा होगा आप शेख रशीद पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रेल में, तो वो बोलता है कि हमारे पास पाव पाव भर के आधे आधे एटम बम है, हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, पाव पाव के आधे आधे एटम बम को छोड़ो और दो रोटी का ख्याल करो, पूरे पाकिस्तान के अंदर आटा का ही तो घाटा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर आटा का ही तो घाटा है, समझने वाली बात है। अब ना तो 72 हुरे काम आ रही है तुम्हारे लिए, ना जन्नत काम आ रही है, ना मौलाना काम आ रहे हैं, ना मुफ्ती काम आ रहे हैं, ना इमाम काम आ रहे हैं, सुनो मेरी बात, वो किताब के ऊपर पूरा खरा उतरना भी काम नहीं आया, मतलब हाँ, वो तो आप छोड़ो, हाँ जी जी। अब बात खत्म करता हूँ, बिल्कुल छोटी सी बात है। अब समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे युवा है, जो आज की बदलते दौर के 21वीं सदी के जो पढ़े लिखे युवा है, वो अब समझ में आ गई है उनको सारी बात, कि ये जो 72 हो रहे हैं, ये मदरसा है, ये कट्टरवाद है, ये इस्लाम है, इसमें कुछ नहीं रखा है, केवल और केवल समय और जिंदगी बर्बाद करने को पता चल गया है, उनको पता चल गया है कि कुछ नहीं रखा है इसके अंदर, एटम बम बना के भी देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जिस हमारे नरेंद्र मोदी जी को ये लोग गालियां देते हैं, बताऊं एक बात, बुरा नहीं माने तो, छह बड़े इस्लामिक राष्ट्र ने मोदी जी को अपने देश में बुलाकर अपने देश का सबसे बड़े पद से उनको सम्मानित किया, इससे बड़े गर्व की बात और क्या होगी, मेरे को पहले ये बताओ आप। जी सही बात है। और पाकिस्तान का जो ये वजीर आजम, मैं इसको फकीर आजम बोलता हूँ, जो दुनिया भर के देशों में कटोरा लेके घूमते हैं और भीख मांगते हैं, शर्म नहीं आती है। और एक बात और बताऊं, जिस मजहब की नींव जकात पर रखी हुई गई है, तो वो लोग जकात ही मांगेंगे और करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, मेरे को पहले ये तो बताओ, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मेरे को ये बताओ आप। सही बात है, ठीक है, सही बात आपने कहा जी। मैं छोटी सी बात खत्म कर रहा हूँ, बस कहने का मतलब यही है भाई, जहाँ जागे वही सवेरा है, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए मेरी किसी कोई मजहब से कोई व्यक्तिगत नाराजगी की लड़ाई नहीं है, बस सबसे बड़ी चीज है वो इंसानियत है, मानवता है, उसको समझे आप, उसी पे चले आप, ठीक है, दूसरों को अपने छोटा है बड़ा नहीं समझे। और इंसान की जो मेन बेसिक जरूरत है वो है रोटी कपड़ा मकान। बड़ा दुख होता है, पाकिस्तान की वीडियोस देखता हूँ, लोग मर रहे हैं एक आटे किलो के लिए, खून गर्भ में भी आता हम आमदा है। तो भाई इस वैश्यपन से बाहर निकलो, कट्टरवाद से बाहर निकलो और इंसान बनो, बस मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, भगवान आपका भला करे, राम राम सबको। जी पूजा जी, कुछ मैं बात कर सकता हूँ आपसे दो मिनट? हाँ जी सज्जाद जी बोलिए जी। आपसे एक चीज पूछना था कि आप लोग इस्लाम पे इतना एतराज करते हैं, लेकिन हिंदुइज्म पे जो एतराज होता है उसका जवाब क्यों नहीं देती हैं? देखिए, जब हिंदुइज्म पे कोई टॉपिक होगा ना, हिंदुइज्म पे जब डिस्कशन होगा तब हम हिंदुइज्म पे आपके साथ डिस्कशन जरूर करेंगे। हमें कितनी बार मैंने पे डिस्कशन
करने में। इतनी बार मैंने ऐसे प्रोग्राम्स ऐसे स्ट्रीम्स रखे हैं जो हिंदुइज्म पे है, तब कोई नहीं आता है, तब कोई मुसलमान नहीं पटकता ऐसे क्यों? और सज्जाद मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, देखिए हिंदुइज्म में आप मान लीजिए 1000 बुराइयां, मान लीजिए हम मानने को तैयार 1000 बुराइयां हैं, लेकिन वो बुराइयां आतंकवाद नहीं फैला रही है, वो बुराइयों को फैला रही है। कोई किसी का सर नहीं काट रहा है। आप दुनिया भर में हिंदू को देख लीजिए, जहां भी हिंदू है उनकी वजह से बरकत आ रही है, तरक्की हो रही है, वो देश आगे बढ़ रहा है, उनकी सोसाइटी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन आप दुनिया भर में हिंदुइज्म की वजह से आतंकवाद फैल चुका है ऑलरेडी सर, आप क्या बात कर रहे हैं? आप कहां से हो? आपके सपनों में मैम मैम ने साजिद के सपनों में फैला है, वैसे तो ये प्रॉपर फुल ऑफ प्रोपेगेंडा है, मे बी इनके सपने में फैला होगा। मैम हमसे पूछ लीजिए, पहले पहले हमसे पूछ लीजिए उसके बाद बोलिए, आप खुद ही अपना फैसला सुनाते जा रहे हैं। अरे हम आपकी बात सुननी नहीं है, जो बात झूठ है, जो एक झूठ के बुनियाद पर टिकी है, हम उसे सुने ही क्यों, जो बात है ही नहीं। साजिद पूजा जी मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको पूछ रही हूँ जी, मैं इंडिया से हूँ ठीक है, और जो बोल रही है कि नहीं फैला है, तो श्री राम के नारे लगा के जो मार के फेंक देते हैं, तबरेज अंसारी का जो केस हुआ था, आज हम वो बात नहीं कर रहे। और मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहती हूँ कि जो श्री राम के जो बहुत ही लेट शुरू किया, भाई मैं तो समझती बहुत लेट शुरू किया, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जितना मार काट आप लोगों ने कर दिया है उसके आगे और अभी क्या बाकी था। मतलब आपको चाहिए कि हर टाइम आप लोगों के आगे ऐसे हाँ 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 आओ एक गाल नहीं। मैम मैम पूजा मैम साजिद मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, उस पे आप क्या बोलोगे जो अल्लाह हो अकबर करके कृष्ण ये कन्हैया लाल का सर काटा है बिल्कुल धमकी देके इंडिया में, उस पे क्या बोलोगे? कश्मीरी पंडितों पे क्या बोलोगे? जो आप लोगों ने गुजरात में जो हमारे उनको ऋषियों को जलाया था ट्रेन में, उसके लिए क्या बोलोगे? जो आए दिन यहाँ पे लव जिहाद होता है, उसके लिए क्या बोलोगे? साजिद आटा क्यों नहीं, ऐसे अगर आप बोलते रहेंगे ना तो कोई ये टॉपिक नहीं है भाई मेरे। साजिद भाई आप फिर से आइएगा, मैं बहुत सारे स्कीम्स करती हूँ, आप जरूर आइएगा मेरे वापस। ठीक है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो पाकिस्तान की आज जो हालत है ना, आप देख रहे हो, आप सुन रहे होंगे, आपको पता होगा इसके बारे में। साजिद भाई हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, हम अपने देश के बारे में बात करेंगे। और साजिद भाई पाकिस्तानी है और पाकिस्तान अल्लाह की हर बात मानता है, हर पाकिस्तानी कुरान को देखिए, पाकिस्तान क्या कर रहा नहीं कर रहा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए नियो किसको बोलते हैं? लेना देना तो किसी को, नियो के बारे में जानकारी चाहिए था, थोड़ा बताएंगे? प्रश्न है इस्लाम का, प्रश्न है अल्लाह का, वहाँ पर बच्चों। सुनिए ना मैडम, बताइए ना नियोग, नियोग किसको बोलते हैं? नियोग प्लीज बात को भटकाओ मत, बात करो नियोग की बात मत करो, बात करो पाकिस्तान की, क्यों नहीं अल्लाह उनको राहत दे रहा है, वो बात करो भाई, इधर उधर मत भटको, मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। पूजा मैम भाई को ऐड कीजिए, ठीक है जवाब सुन लीजिए। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं बोला है कि ऐसा होगा तो हम मदद कर देंगे, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने दुनिया में मदद करने का वादा किया ही नहीं है। अरे पर अल्लाह ने ये तो कहा है ना कि वो मुसलमानों का प्रोटेक्टर है, मुसलमान जो उसको मानेगा, जो मोहम्मद को मानेगा वो अल्लाह उसको प्रोटेक्ट करेगा, अल्लाह उसकी रक्षा करेगा। कहां लिखा हुआ देगा जो भी सवाब देगा, अभी नहीं देगा, बोलो ना फिर नहीं। सुन लीजिए मेरी बात को सुन लीजिए, आप खुद से बोलते रहेंगे तो फिर आप लोग अपने में बोलते रहे, अपने गोल में गोल करते जाइए, क्या मतलब इसका बनता है भाई? आप हमसे पूछिए कि क्या मसला है, ठीक है ना, ओके। नहीं हम आपको इस लायक नहीं समझते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, यू नो आपकी जो हालत एलिना अली ने की थी, अगर इंडिया में मुस्लिम नहीं रहेंगे ना, इस्लाम ने जो आपकी हालत की थी, आप कैसर अहमद राजा ने जो आपकी भलाई की थी अच्छे तरीके से, ओके आप बोलने तो दीजिए ना, ये पूजा की ऐसी भलाई हुई थी ये बोलने नहीं देती है, बीच में बोलना शुरू कर देती है। सज्जन भाई एक बात सुनो, आप ये बोलने के लिए आए हो, आपके पास ये इस बात का कोई जवाब नहीं है कि मतलब पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं है ना, तो फिर आप क्यों आए हो ये वाले स्ट्रीम में? जय हिंद वंदे मातरम, सबको आवाज आ रही है? मैं तो समझना चाहता हूँ कि नियोग किसको बोलते हैं, नियोग क्या होता है, कैसे होता है? आ गया, मैं समझाता हूँ, वो टॉपिक नहीं है आज, वो नियोग समझाता हूँ, रिलीजियस डिस्कशन नहीं है, बात करने दो यार, मेरी लिमिट हो गई साजिद, मैं समझाता हूँ तेरे को क्या होता है। देख मैं ऐसा है साजिद, मैं दिखाता हूँ तेरे को, मैं तेरे को सारा समझाता हूँ।
मुझे स्ट्राइक नहीं चाहिए, मेरे मेरे चैनल पर आकर आप नहीं दिखाओगे ऐसा कुछ, मुझे स्ट्राइक नहीं चाहिए, आप पागल हो गया? हाँ, आप अपनी शक्ल दिखाओ और बात करो, ये सब आप, आपको किसने बोला कि आप लाओ और मोबाइल और अभी दिखाओ? बहुत गलत बात है। मैं इसको जवाब देता हूँ, अगर ये बैक स्टेज पे है, बैक स्टेज पे है तो इसको लेके आओ और म्यूट पे रखो, पहले एक मिनट मेरी बात सुन ले, फिर उसके बाद जवाब दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और पहले बैक स्टेज से सुन ले। डिस्कशन नहीं है, नहीं चाहिए कि आज कोई भी बात भटके, मेरे को एक घंटे का करना है और जो मुद्दा है उसी पे करना है, नहीं भटकना इधर उधर, बिल्कुल। चलो फिर ठीक है, आप ही के टॉपिक पे बात करेंगे मैम, मैं आपका टॉपिक देख के आया हूँ, मैं आपके टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन अगर ये बैक स्टेज में है तो पहले सुन ले। तो नियोग के बारे में पूछ रहा था, तो बेटा देख मेरी बात सुन, तेरा है ना जिस जाहिल डक के बारे में तू बोल रहा था हमारी सिस को, एक्स एथियस पूजा को, उसको सुन ले, वो पता क्या करता है, उसकी बहन माँ बहन कोई भी करते है ना तुम लोगों का, और वो जाहिल डक, तो वो उससे कोई भी क्वेश्चन पूछे ना कि इसमें दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो छू के बोलता है, बोलता छू के देखो दर्द नहीं हो रहा, वो ऐसा गंदा बंदा है, ऐसा जाहिल। सीरियसली भाई, सच अ डिस्गस्टिंग पर्सन, सच अ डिस्गस्टिंग पर्सन। मैंने ऐसा वाहियात आदमी इंटरनेट के ऊपर पे जो इतनी बकवास कर रहा है, ऊपर से उस वीडियो को पब्लिक कर रहा है, आई एम शॉक्ड। और मैं उन मुसलमानों से भी शॉक्ड हूँ जो उस पे माशा अल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह लिख रहे हैं, उनसे भी मैं शॉक्ड हूँ। सीरियसली पंद्रह सोलह साल की लड़की को वो आठवीं क्लास में पढ़ती है, तुम उसे इतनी बकवास बात कर रहे हो, तुम जिहादियों को ना शर्म आनी चाहिए। जी पूजा बहन, एक सिंगल पर्सन ने कंडेम नहीं किया, विरोध नहीं किया, बोला नहीं कि भाई ऐसा मत बोलो, सारे सुभान अल्लाह माशाल्लाह कर रहे थे। जी हाँ, ये बात अब आप अपने टॉपिक पे लेके आइए। जी हाँ, लायन ऑफ गॉड, लायन ऑफ गॉड बोलिए, आपको क्या बोलना है? जी जी शलोम एवरीवन, जय हिंद। और इसी बात पे बोलना, इसी मुद्दे पे बोलना, कहीं पर भी नहीं जाना। जी बोलिए मैम, एकदम आपने बढ़िया टॉपिक रखा है जिस पे आई एम ऑब्वियसली इमोशनली वेरी चार्ज्ड, एंड यू मेंशन्ड द थ्री वॉर्स वी हैड 1999 पर्टिकुलरली मेरे दिल के बहुत करीब है मैम। माय फादर वाज इन कश्मीर व्हेन दैट वॉर वाज गोइंग ऑन एंड That's before my birth, obviously. जी sorry, I forgot. तो मैम, the short answer is कि अल्लाह हशेम, no one will help Pakistan. कोई पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा, because मैम ये atrocity के basis पे बना हुआ देश है। इन्होंने मैम, let alone minorities, even with their fellow brethren, they have committed मतलब इतने atrocities किए हैं। मतलब 1970 के नवंबर में मैम एक तूफान आया था ईस्ट पाकिस्तान में, निकाल देती हूँ। लायन ऑफ गॉड जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, कुछ सुनाई नहीं दे मेरी आवाज आ रही है अब? ठीक है जी, मैं लायन ऑफ जो है, लायन ऑफ गॉड जी, आप फिर से जुड़िए क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट रही है। जी हाँ बीवी जी, आप बोलिए। जी नमस्ते जी, नमस्कार। ये आपका टॉपिक बड़ा अच्छा है और बहुत से लोगों ने बातें की, मैं उसमें कुछ अलग थोड़ी यूनिक फैक्ट रखना चाहता हूँ आपके सामने। जी देखिए, ये सब कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है वो हो रहा है, अब उसके साथ में अभी रिसेंटली, मतलब जब ये फाके हो रहे हैं, इनके घर में आटा नहीं है, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है और वो पाकिस्तान की न्यूज है। एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी की एक लेडी जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज थी एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट पे, उसने एक मुसलमान बंदे की गाड़ी रोकी क्योंकि वो अपने ड्यूटी कर रही थी, उस पे सिक्योरिटी का स्लिप नहीं लगा होता, जो टोकन होता लगा नहीं लगा था, उसने उसको रोक दिया। तो उस बंदे ने उसको धमकी दी कि मैं तुम पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के तुमको पिटवा दूंगा, कटवा दूंगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कंट्रास्ट देखिए कि एक तो माहौल है कि रोटी के वंदे हो रहे हैं इन लोग को, और अभी भी ईमान पक्का है, और किस्मत है, किस्मत ये कि वो माइनॉरिटी की लेडी थी लेकिन उसने वीडियो बना लिया और ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, और उसे आखिर में उस बंदे ने माफी मांगी इस चीज के लिए। अच्छा। लेकिन अगर कहीं गलती से वो वीडियो, लाइव वीडियो ना बनाती तो अब तक हश्र कुछ और होता, खबर कुछ और होती, क्योंकि ये पहले हो चुका है।
तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लोग की सोच देखिए कि अभी भी सीधे नहीं हुए हैं, नहीं इन्हें दिख रहा नहीं है कि ईमान पे चल के कहाँ जाके कहाँ पहुंचेंगे, और अभी जी भी ब्लास्फेमी पे माइनॉरिटी को साफ कर देना, काट देना, ये सब सब चल रहा है, ईमान पक्का है और जी बम मार देंगे सही दूसरा। बात। अच्छा, ये अपने वीवी भाई गोदी मीडिया भाई हैं क्या? नहीं नहीं गोदी मीडिया जी है, मैं उनको ले रही हूँ। मैं या एक को एक आवाज का हो रहा है। काफी मिल रही है इनकी उनसे। नहीं, गोदी मीडिया जस्ट जी है जी। जस्ट एक सेकेंड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो साजिद हैं या और भी साजिद जैसे लोग हैं उनको जरूर ले, क्योंकि वो हमें वही चाहिए, हम साजिद जी के साथ हाँ, करना मेरा चाहेंगे मानना वो। भी यही है। अब बाकी तो मैम जैसे साजिद करें, मेरा है भी मानना साजिद। यही है। हाँ जी, अपोजिशन मैं होनी चाहिए, हाँ अपोजिशन हाँ होनी मैं चाहिए। अपनी अपनी पूजा जी, बात आप में मुझे बैक स्टेज करके अपनी कहानी सुना देती हैं, फिर पीछे कर देती हैं, फिर ले लेती हैं। ये जो है ना, आप लोगों का 2 नंबर काम जो है ना, ये अरे दो भाई, नंबर काम तेरी करना ब्रेक ही बंद नहीं कर लगती है, दीजिए। मेरी मैं ब्रेक आपको ही नहीं यही लगती कहते है। भाई सब भाई, मैं लोग बात सज्जाद भाई, सब सज्जाद लोग भाई बात करो। सज्जाद भाई, आप जी, ये मुझे भी टॉपिक बोलने का मत मौका दीजिए ना। आप लोग हमें तो बोलने का मौका नहीं दे रही हैं और हमारे बारे में बात कर रही बैठ अरे भाई, करके। मेरी बात सुनो ना, पहले बात सुनो ना, इतना क्यों गरमा रहे हो? रुको, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रही हूँ कि आप इस टॉपिक पे बात करो जो आज मेरा मुद्दा है, कल कुछ और होगा उस पे बात करना। मैं आपको ये निकालना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप मत लाओ सनातन को बीच में। सनातन का उस दिन लाओ जिस दिन मैं सनातन के बारे में बात कर रही हूँ, है ना? तो ये आपको नहीं लगता है कि मुझे जो टॉपिक मैंने आज नहीं जो मैंने थंबनेल बनाया है वो ही देखकर आप आए हो, या आप नियोग के बारे में जानने आए हो? आप ये बताइए कि मैम आपका कोई स्ट्रीम हुआ है कि सनातन का क्वेश्चन आंसर आज अच्छा, हो रहा है? कभी आपका ये बहुत स्ट्रीम हुआ है? सारे बहुत बहुत हो रहे सी हैं साजिद बहुत सी साजिद स्ट्रीम हैं। साजिद कौन से साजिद चैनल पे साजिद, होते मेरी आवाज आ रही है? साजिद भाई, मेरी आवाज आ रही है? तो मेरी एक बात जी, आ सुनो, रही बहुत सारी स्ट्रीम होती हैं। भूप जी के साथ होती है, हमारे दूसरे एक है? आप भाई है देख उनके लीजिए साथ भाई, आप होती देख लीजिए जी शुभम हाँ भट्ट के साथ होती है, और इनकी पड़ी। और मेरे एक बात सुन, अभी बोल रहे थे आप थोड़ी देर पहले जब मैंने ज्वाइन किया था कि हमारे को मतलब कि अल्लाह ने बोला है कि भाई कि अपना अपना सबने करना है, काम करना है, और वो अपने हिसाब से देखेगा। लेकिन तुम्हारे अल्लाह ने तो मतलब कहीं गारंटी नहीं दी है। आपने कुछ बोला था ना, जो ऐसे भूखे मर रहे हैं या जो भी है, आपके अल्लाह ने तो बोला रिजक मैं देने वाला हूँ, सबको रिजक मैं देता हूँ। तो लाखों करोड़ों लोग भुखमरी से मर रहे हैं रोज, तो वो रिजक क्यों नहीं दे रहा? उसका सिस्टम फेल क्यों हो गया? असल बात क्या है ना कि आप लोग ना किस मुसलमानों के दावा को अभी तक समझे ही नहीं है। हाँ, ओके, समझाओ समझाओ, इसके लिए हाँ अभी सुन लीजिए रिजक अल्लाह। रिजक वाले पे रहना। हाँ हाँ समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बोलने देंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना? आप लोग को ठीक समझ है, में मैं नहीं आता सुन मुसलमानों रहा हूँ। का दावा अच्छा, क्या है। बोलिए दावा आप। यह है कि अल्लाह ताला ने बोला है कि रिजक अल्लाह ताला देते हैं, और अल्लाह ताला ये भी बोले कि मौत भी वही देता है। ओके, और मौत आने का सबब भी वही देता है। अगर कोई मर रहा है तो वो भी मतलब कि उसको मौत उसी हालत में आना था। ओके, अल्लाह तुम्हारे के पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह के पास 2 वक्त रोटी देने के लिए एक ये क्या बात क्षमता हुई भी है, भाई? आपने अल्लाह के समझा पास जवाब? कुछ भी आपने मेरा जवाब समझा या नहीं समझा? मैं अल्लाह एक आपने अपनी बात कुदरती चीज समझी है समझी सजाद अल्लाह भाई। एक भाई, सब तो मनगढ़ंत चीज है, वो सब ख्वाब दिखाता है आप खाने का। सनातन असल में धर्म ना भाई, मुसलमानों का एक दावा बार समझते यहाँ नहीं पर मैं ऐड है, करूंगी, एक बार सजाद दावा सजाद समझते भाई, नहीं है या समझना नहीं सजाद चाहते भाई हैं? बात मरने का, सज्जाद सब कुछ मरने का भाई, बात, एक बात आपसे पूछूं मैं, ये मरने मतलब के बाद आप कुछ 72 हुए, तय है मरने ना? के बाद ये, मरने के बाद वो, सब कुछ मरने के बाद मिलेगा। इस नहीं, दुनिया में मुसलमानों का सनातन कुछ धर्म भी नहीं है, जी, अच्छा पूजा जी नहीं मुझे है। थोड़ा सा मौका दे। जी जी प्रश्न ये बोलिए। है कि ये सब कुछ मरने के बाद क्यों है इस्लाम के अंदर? ठीक है, अगर आप कुरान के जो नहीं, आपके हिंदुइज्म में भी मरने के बाद क्यों है कि वो मिलेगी, क्या बोलते हैं, मरने यार तुम लोगों का समझ नहीं आता। अभी भी बोला कि इस टॉपिक पे बात करो, जिस दिन बात होगी उस दिन के करना बाद? नहीं, पूजा जी, साजिद पूजा भाई, जी, नहीं, उस दिन करना। फिर आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं? जब आप देख, आप तो सवाल कर ले रहे हैं हमसे, और सज्जाद आपने जी, बैठे मेरे के टॉपिक पे, यही आप लोग का 2 नंबर काम है। मरने के बाद वो ऐसे बात नहीं होती है, किसी की भी अक्षरा, डेथ अभी हुई आपके जो नहीं है, अक्षरा का जो समझ कॉन्सेप्ट है, में वो मरने के बाद अक्षरा क्यों मिलेगी स्वर्ग में? अक्षरा सज्जाद भाई, मैम। सज्जाद भाई, पूजा रिस्क की मैम, बात प्लीज तो रहते साजिद हैं। को हटा हटाइए, आज ये टॉपिक नहीं है मैम, प्लीज। दीजिए, और हटा लाइन दीजिए, जी को हटा ऐड दीजिए, कीजिए, हटा मैम इसको दीजिए, हटाइए अपना मैम, सवाल प्लीज। कर लीजिए और अपना टाइम हटा दीजिए। यही 2 नंबर सज्जाद कहानी है मैम, आप मैं लोग इसे की। हटाऊं? नहीं, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, सज्जाद भाई जाने से पहले मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे मैं दीजिए। जवाब दूंगा, लेकिन आप भी जवाब देंगे मेरे एक्स क्वेश्चन का, आप जवाब देंगी तब आपसे, नहीं आप नहीं हमसे इस टॉपिक से पूछिए, रिलेटेड नहीं होगा तो फिर तो, ये ये इस टॉपिक टॉपिक से से रिलेटेड होगा रिलेटेड तो है, ये टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं दूंगी जवाब, नहीं तो मैं नहीं देने वाली। अभी इंडिया में आप ये हमसे, हालात नहीं है, तो तो आप आप हमसे मुझे किस टॉपिक पे सवाल या फिर करेंगे? कैसा टॉपिक होगा? हाँ, जो थंबनेल है, जो थंबनेल है अल्लाह के पास क्या है देने के लिए? कुछ भी तो नहीं देता भाई, है, मेरी सभी बात इसका सुनो भी ना, मेरे को थंबनेल एक हजार हो क्वेश्चन गया। आपको पूछ लेने दो ना भाई, मेरे एक बात सुनो, मैं मेरे भी को एक पूछूंगा, मैं भी पूछूंगा। मुझे आज नियोग समझाइए, नियोग किसको बोलते हैं, नियोग आप कैसे टॉपिक होता नहीं है? है।
मतलब आपको या तो नहीं, सजाद भाई मैं आपको निकाल रही हूँ, सॉरी नहीं नहीं सॉरी मैं आपको निकाल रही हूँ, ये निकाल दीजिए मैडम, मालूम है जब जवाब नहीं हो तो निकालिए मैम प्लीज, ये हलाल की पैदाइश है, इसे बोलने मत दो। सज्जाद भाई मैं अभी जी, आपको मैम लायन जी को ऐड कीजिए, लायन जी को ऐड कीजिए। एक मिनट पूजा जी, एक मिनट मैं हट जाऊंगा, फिर मेरी बात ध्यान दीजिए, क्योंकि पूजा जी कंडक्ट कर रहे हैं, तो कृपा करके जो भी आ रहा है उसको बात कह दीजिए, बारी बारी लोग आएंगे अपनी बात कहेंगे चले जाएंगे, दिक्कत हो रही है अदरवाइज। तो मैं कुछ समझ में नहीं आता, और मैं चाह रही हूँ कि एक घंटे के अंदर करूँ, ताकि जो रियल बात है, जो इस मुद्दे पे बात है, वो बात हो और खत्म हो जाए। ये नहीं कि मतलब हम नियोग के बारे में, तो सज्जाद भाई मेरे बहुत सारे वीडियोस है वो आप देख लीजिए, और जिस दिन मैं सनातन का करूंगी, और आज के टॉपिक के ऊपर आप बात नहीं कर रहे हो, मुझे आपको एक ही क्वेश्चन पूछना था कि अल्लाह ने जब सब कुछ तय कर दिया है, इट्स रिटन, तो क्या पाकिस्तान का यही हाल होना था, क्या यही भुखमरी होनी थी, यही उनका हाल होना था, जबकि इतना पाक पाक पाकिस्तान हमारा, तो उसका क्या हाल हुआ है आज, तो ये लिखा हुआ था ना कहीं खुदा। पूजा मैम देखो, मैं आपके टॉपिक पे इनसे बात की थी, पूजा मैम वीवी भाई एक सेकंड, मैंने इनके आपके टॉपिक पे बात की थी इनसे, कि भाई इन्होंने मेरे जुड़ने से पहले बोला या मेरे ज्वाइन करते ही बोला कि भाई अल्लाह ही सब कुछ वो करने वाला है, और इनके उसमें लिखा भी है कि रिजक्ट देने वाला है, और आपका टॉपिक उसी से रिलेटेड है कि तो पाकिस्तान में जो ये भुखमरी है आटे दाल चावल के लिए, तो ये क्यों हो रही है, वहां पर क्यों नहीं देख रहा, तो ये भाई है ना उस क्वेश्चन पे नहीं रहना चाहता कि भाई कि हाँ अगर रिजक देने वाला है तो रोज लाखों करोड़ों जो भुखमरी से मर रहे हैं उनकी रिजक कहाँ है, वो बात तो उसका सिस्टम फेल हो गया, वो सिस्टम तो फेल हो गया उसका। और मैं अभी पाकिस्तान की बात चल रही है मैम, आपका टॉपिक यही है जहां तक मैं समझाऊं, तो मैं एक हंसी वाली बात बताता हूं, तो फिर आप बात करिएगा। तो जो इनके इस टाइम पे वजीर आजम है, इनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, तो उनका वो हाँ वो किसी गए थे किसी इस्लामिक उसमें कंट्री में, तो वहां से वापस आए तो उन्होंने एक रैली की, तो रैली की जब उन्होंने, तो वहां पर वो पब्लिक को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, बोलते हैं कि मैं वहां गया तो मैंने उधर पे उन लोगों को जाके बोला कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कुछ मांगने आया हूं, तो मैं मांगने नहीं आया, पर हमारी ये मजबूरी है हमें मांगना पड़ेगा। तो ये बहुत हंसी वाला है उनका, देखो प्राइम मिनिस्टर का भी ऐसे ही है कि उसको बड़ी शर्म आती है, उसको ऐसे मांगने में बहुत ज्यादा वो हो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि उसका देश अगर नहीं मांगेगा तो करेगा क्या। जी हाँ, तो आपको कुछ बोलना है तो आप बोल के खत्म कर लीजिए। जी मैं मेरी बात रही गई थी, इसमें कह रहा हूँ दूसरी बात जो नोट करने वाली, जो इस क्योंकि आप लोग ईमान की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि एक न्यूज भी है और आप फैक्ट चेक करेंगे तो पता चलेगा कि जो अल्लाह के जो मतलब आशिक रसूल की ज़कात लेने वाले जो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती तारिक जमी, वो इस मौके पे अपने ही पाकिस्तान को अपने वतन को छोड़ के कनाडा चले गए हैं, और उनके अकाउंट से 49 मिलियन ज़कात का पैसा पकड़ा गया है बैंक में। Really? जी ओह दिस आई नेवर न्यू, रियली माय गॉड दैट्स सच अ बिग फैक्ट, माय गॉड वो भगवान, मतलब बातें बड़ी बड़ी, और ये आके यहाँ पर ये आपके हूर स्पेशलिस्ट हैं, अल्लाह का पैसा कहा जाता है, हूर स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ईमान कितना अभी, और मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी हालत में ऐसा होता है तो और पाकिस्तान के लोगों का ईमान कच्चा होगा, जो मुफ्ती उनको जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, ये न्यूज में आया है और उनको वहां के नेशनल टीवी पे है। अच्छा, दो दो फैक्ट चल रहे हैं, एक ये कि मुफ्ती तारी जमील के अकाउंट से 49 मिलियन पकड़ा गया है, दूसरा बाजवा साहब भी वहां से निकल गए हैं, जिनका 600 मिलियन का जो है उनकी मेम साहब के नाम पे है, ये फैक्ट है। तो ये दो दिन पुरानी न्यूज है, ये दो दिन पुरानी न्यूज है, फैक्ट है। अच्छा अभी क्या है, मैं अभी गोदी मीडिया भाई का नाम लेने ही वाला था, ही इज आवर वीवी भाई इज आवर सेकंड गोदी मीडिया, इनके पास भी और आवाज भी मेरे को तो दोनों की सेम ही लग रही थी। बोलिए भाई। अच्छा अभी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इस मौके पे हमारा देश, हमारी देश की पाकिस्तान से दुश्मनी रही है, बट देखिए कि इतने नाजुक मौके पे हिंदुस्तान इतनी सलाहियत दिखा रहा है कि कोई हमला नहीं कर रहा। आप दो मिनट के लिए इमेजिन करिए, अगर हिंदुस्तान में हालत होता, अब तक पाकिस्तान हमें वल्नरेबल स्टेट में पाके कश्मीर पे हमला कर चुका होता। जी सही बात आपने कही, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, मैं रखता हूँ। जी थैंक यू सो मच देवी जी, बहुत बहुत आपका आभार, आप ज्वाइन किए और प्लीज ज्वाइन करते रहिएगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। जी जी, एक मिनट, हाँ गोदी मीडिया जी, वंदे मातरम, मैं सनातन जी को बात करके रुखसत कर लूं, फिर बाद में हम बात करते हैं। जी सनातन धर्मा जी बोलिए।
सनातन, दो दो सनातन है, एक सनातन धर्मा जी और एक सनातन दूसरे सर। सनातन धर्मा जी आप बोलिए, फिर मैं दूसरे सनातन को ले लूंगी, बोलिए। मैडम देखिए, जो आपका जो आइडियोलॉजी है ना, वो अल्टीमेटली उसका शेप पाकिस्तान उसी शेप में जा रहा है। मतलब जो मार काट जो भी है कुरान में लिखा है, फालतू फालतू की चीजें, हाँ, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप देखिए जितना भी, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जितना भी इस्लामिक कंट्रीज है, सीरिया, लीबिया, लेबनान, अल्जीरिया, जितना भी आप देखिए ना, सभी ऐसे ही हालत है सबका। इतना ही है क्योंकि आपका अगर प्रिंसिपल ही ठीक नहीं है ना, जैसे बोलते रहे गीता में कि धर्मो रक्षिता रक्षिता, तो अगर 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 आपका प्रिंसिपल ठीक नहीं है, अगर आप प्रिंसिपल को डिफेंड नहीं करते, ह्यूमैनिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप बच्चे पैदा कर रहे हैं वहाँ पे, एक एक घर में अगर 10-20 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये जमीन से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो तो फाइनाइट है ना, उसको तो आप उतना बढ़ा नहीं सकते, तो अल्टीमेटली ये तो होगा ही किसी ना किसी दिन जाके, तो वही हो रहा है पाकिस्तान में। सब अल्लाह की देन है उनकी, सब अल्लाह की देन है। अल्लाह तो You won't believe, मैंने अभी दिखाया नहीं, वो मेरे पास है, वो फोटो पड़ा हुआ है। A man marries three times or maybe three times and 60 kids, और उसको चौथी बार भी करनी है, वो न्यूज़ में आया है। और वो लोग बोलते हैं कि ठीक है बस बच्चा पैदा करते जाओ और अल्लाह खिलाएगा, तो अभी अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो अभी अल्लाह वही तो पूछ रहे हैं कि अल्लाह है किधर? आपने इतने बच्चे तो पैदा कर लिए, अल्लाह ने कहा कि भाई मैं देता हूँ, मैं करता हूँ, तो फिर अब अल्लाह है किधर? आपको आटे के लिए लड़ना पड़ रहा है, मारा मारी हो रही है, छीना छीनी हो रही है। आप लोग ने वीडियो भी देखा होगा, मैंने भी पहले बता चुकी हूँ वीडियो, बिकॉज ऑफ स्ट्राइक दिस आई डोंट वांट टू शो, बट सभी लोग जानते हैं कि इतनी मारा मारी हो रही है, इतना भूख मरी हो रही है, फिर अल्लाह है किधर? इतना पाक देश को कैसे छोड़ दिया अल्लाह ने? जी, तीन चार हिस्सों में पाकिस्तान बन जाएगा, तो वो आप देखेंगे कि 10 साल के अंदर होगा, 5 या 10 साल के अंदर ये होगा ही होगा। क्योंकि देखिए अब यूक्रेन का जो हालत है, वहां से व्हीट इंपोर्ट करता था पाकिस्तान, तो यूक्रेन में इन अदर 5-10 ईयर्स मुझे नहीं लगता कि वहां पे कुछ एग्रीकल्चर का कुछ भी पोजीशन है कि जाके वो एग्रीकल्चर व्हीट एक्सपोर्ट कर पाएगा। वहां पे बिल्कुल बंद हो गया, पूरा दुनिया में क्राइसिस है व्हीट का, इवन यूएस में भी व्हीट नहीं आ रहा है, ऐसा हालत है इंडियन स्टोर्स में। तो आप देखिए क्या होता है, बहुत बुरा हाल होगा, लोग एक दूसरे को वहां पे मारने के लिए उतर जाएंगे, और अभी जो शुरुआत है वो हाइट पे जाएगा और पाकिस्तान ब्रेक हो जाएगा और अल्लाह कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्लाह के पास कुछ है ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं, नहीं करने के लिए। सही बात है, थैंक यू सो मच सनातन धर्मा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका आभार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी हाँ, तो यहाँ पर अब है आई थिंक मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये सनातन कोल्ड, हाँ कौन बोल रहे हैं? वेदिक जी। हाँ वेदिक, हाँ जी, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का तो सब जानते हैं, सब समझ गए, बट क्योंकि ये साजिद बीच में आ गया था और इसने जी हाँ पूरा उसने डाइवर्ट कर दिया पूरा जबरदस्ती का जी, क्योंकि वो अपना प्रश्न रख पाने में सफल हो गया जैसे तैसे, तो इसका जवाब देना जरूरी है यहाँ पर, तो उसके बाद टॉपिक पे जाएं। शब्द की बात की थी, जैसे शब्द होता है संयोग, संयोग का मतलब होता है दो लोग जब एक दूसरे के कांटेक्ट में, उसका विपरीत शब्द है नियोग, यानी कि कांटेक्ट में नहीं आना, फिजिकल कांटेक्ट, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं आजकल, जैसे कर्ण, कर्ण का जन्म हुआ था बिना सूर्य के, कुंती के कांटेक्ट में आए, कुंती ने सूर्य ने वर दे दिया था, स्वर क्या, उसने सूर्य ने मानसिक संकल्प किया जिससे उस कर्ण का जो बीज रूप में और कर्ण बालक के रूप में उत्पन्न हो गया, कुंती के पुत्र के रूप में, जो नियोग से उत्पन्न हुई संतान, जैसे विदुर बिना कांटेक्ट में केवल दृष्टिपात किया गर्भ के ऊपर और संतान ठहर गई, ये होता है नियोग से जो संतान होती है, संयोग से होती है जहाँ फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है, सेक्स होता है और आप सीमन को इंजेक्ट करते हो, ये हो गया संयोग। और भी अगर आपको विस्तार में और एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आपको हम कोई और स्ट्रीम में बता देंगे, बट अंडरस्टैंड व्हाट इज नियोग, जैसे वेदिक जी ने समझा दिया। अच्छा, ये कुछ बोल ही रहे थे क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है, मैं सुन लिया, मैं जवाब सुन लिया मैडम, लेकिन अभी जो पिछले कॉलर ने जो झूठ बोल के गया है मौलाना तारिक जमील के बारे में, आपने उसको बिल्कुल मान लिया? वो अभी मैं न्यूज देखा, ARY न्यूज पाकिस्तान का, मैं अभी देखा, वो बताया कि झूठ है, झूठ है, और आप लोग झूठ को प्रमोट कर रही हैं।
अफसोस है आप लोगों की अकल। मैंने सुनी नहीं ये न्यूज़, तो आप बता दीजिए। गोदी जी आप बताइए, मैंने सही में नहीं सुनी थी ये न्यूज। जी हाँ अभी देखिए, अभी अभी जी मैं आपको अभी नहीं सुनाता हूँ। भाई सुन तो लो, सुन तो लो। मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट मुंजमित कर दिए गए। तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट मुंजमित कर दिए गए और उसमें से 49 अरब रुपया बरामद हुआ है। तो इसमें से दो खबरें और निकलती है कि एफआईए ने क्यों अकाउंट मुंजमित किए तारिक जमील साहब के, और 49 अरब रुपया निकल आया। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ये मामला क्या है? फरजन मौलाना तारिक जमील साहब हमारे साथ मौजूद है, यूसुफ साहब, मौलाना यूसुफ जमील साहब हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वसीम भाई वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया अब हक देने का। पहले तो बताएं कि ये ऐसा कोई मामला हुआ है मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट्स मुंजमित हुए का? मैं बाद में पूछूंगा कि उनमें पैसे कितने थे, लेकिन ऐसा कोई वाकया हुआ है मुंजमित होने का? जी उसी में सबसे पहले आपको शुक्रिया, आपने मौका दिया इस बात को वाजे करने का। जी इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है वसीम भाई, किसी किस्म का कोई ना तो अकाउंट सील हुआ है ना मुंजमित हुआ है। कोई नोटिस आया या कुछ जिसकी वजह से बात बढ़ के खबर गलत फैल गई हो? हुआ क्या इसके खबर फैली, हुआ क्या ऐसा? वसीम भाई एक्चुअली आप एक अपने बड़े मशहूर नहीं नहीं एक मिनट, विदाउट आस्किंग आप मुझे पूछते भी नहीं हो, मुझसे इजाजत भी नहीं लेते हो, और आप शुरू कर देते हो ऐसे, मतलब दिस इज नॉट राइट। जाने के लिए पूछती है हम लोग से, आप लोग झूठ फैला रहे हैं बंद कर दो। एक मिनट सज्जाद भाई, एक मिनट, आपको एटलीस्ट किसी जब किसी चैनल पर जाओ यू हैव टू टेक परमिशन। आई डोंट अलाउ कि कोई भी मैं ये चीज दूसरे की दिखाऊं, आई डू नॉट अलाउ, क्योंकि मुझे स्ट्राइक पड़ेगी। भाई तुम क्यों मतलब विदाउट आस्किंग मैडम यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग झूठ को फैलाती हैं और फिर कंडम भी नहीं करती हैं। अरे बात तो सुनो भैया, दो मिनट प्लीज। नहीं था ये न्यूज़, और पहली बात तो विदाउट आस्किंग, चाहे वो न्यूज़ सही हो या गलत हो, आपको मेरे से काफी सर हिला दिया। हाँ 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 सही सही, अब वो सही बोल के चला गया। अरे भाई मेरी बात सुन लो, पड़ा तुम्हारे तारिक जमील पर। हाँ इसको म्यूट करो पहले, म्यूट कर दी। हेलो मतलब साजिद भाई आपने ना प्रूफ कर दिया कि हम आप लोगों की क्यों बात करते हैं। आपने बोला आप इंडिया से हो और आपको दर्द पाकिस्तानियों के लिए हो रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। मैम हटाइए इन गद्दारों को ना, हटाइए। देखो देखो साजिद मेरी बात सुनो, अगर आप बैक स्टेज में सुन रहे हैं, हाँ जो अगर आप बैक स्टेज में सुन रहे हैं तो देखो आप है ना कितने इंडियन हो, है ना, नाम के इंडियन हो, ARY न्यूज चैनल का नाम आप ले रहे हो, आपको वो चीज वहां से सुनते हो आप, यानी कि इंडियन न्यूज चैनल आपके लिए गोदी मीडिया है और उनके न्यूज चैनल आपके लिए ऑथेंटिक है। जी मैं कुछ बोलूं अब, कोरोना के टाइम मुझे पता है मीडिया ने क्या क्या बोला था, कोरोना के टाइम में निजामुद्दीन के बारे में क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला। ठीक है सज्जाद भाई एक झूठ बोलते हैं सर, मेरा तो पूरा पूरा मतलब कोर्ट की बात है। अरे सुप्रीम कोर्ट की मेरे को दे दो यार, भाई भाई एक मिनट के लिए, एक मिनट दे दो, एक मिनट कोई ना बोले, मेरा एक बात कर ले गोदी मीडिया, एक मिनट मैं फिर बोल देता। अच्छा साजिद भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो सब फेक था, है ना, तबलीगी जमात वगैरह मरकज वगैरह था जी, जो जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बोला होगा सब मानोगे? नहीं सब नहीं मानूंगा ना, सब क्यों मानूंगा। राम मंदिर केस भाई एक मिनट बोला भाई, आप लोग खुद ही बोल रहे, अभी 30 सेकंड वैदिक भाई 30 सेकंड। साजिद यहाँ पर आती है तुम्हारी हिपोक्रेसी,
ठीक है ना, तुम बोल रहे हो मैं सब नहीं मानूंगा, और उसको लोग तो क्यों रेफरेंस दिया, क्यों रेफरेंस दिया, क्यों रेफरेंस दिया, राम मंदिर मानोगे, ट्रिपल तलाक मानोगे, शायरा वर्सेस तो दूसरे को मीट कर देते हैं, नहीं आप लोग जब सवाल करते हैं तो मीट कर देते हैं, अब ये सुन, अब सुन, अब सुन, अब सुन, तेरे ले फोर नहीं फाइव नहीं थ्री नहीं कितना मैनी टाइम मल्टीपल टाइम इन्फिनिटे तक तेरे ले क्लैपिंग है, सारे क्लैप कर दो एक बार फिर मैं म्यूट कर रहा हूँ, सारे क्लैप कर दो जितने बैठे, सारे क्लैप कर दो, हिपोक्रेसी इसकी दिखा दी, अरे क्लैप तो कर दो भाई लोगों अनम्यूट करके, गाइस गाइस सारे अनम्यूट करो, तो क्लैप कर दो, यही कर सकते हैं, नाउ आई एम म्यूटिंग माय सेल्फ, ताली बजा लेंगे, हो गया हिंदू धर्म, मैं बोलता हूँ डिफॉल्ट हो गया, गेट लॉस किया, यू प्रूव्ड इट कि तुम गद्दार हो, यू प्रूव्ड इट, जस्ट लीव इट मैन, भाई तुम लोग गद्दार हो, तुम लोग इंडिया के गद्दार हो, सिर्फ झूठ बोलते हो बैठ करके दिन रात, दीदी बोलूं क्या, झूठ बोलते अपने चैनल को चला रहे हो आप लोग, मोदी मीडिया को बोलने दीजिए एक मिनट, साजिद भाई एक मिनट, दूसरे को भी तो चांस दो बोलने का, मोदी मीडिया जी आप बोलिए जी प्लीज, बीच में कोई ना बोले प्लीज जी, ये न्यूज थी और इसका फैक्ट चेक चल रहा है, और एक्चुअल में ये कहां से बात कर रहा है बंदा, इसका अभी किसी को पता नहीं है जी, ठीक है, ये वहां से हो सकता है फोन पे बात कर रहा हो या क्या है, अभी कुछ कहानी चल नहीं रही है, बाकी ये कंफर्म है कि वो भाग गया है ऐसा सुनने में आया है, ऐसा न्यूज है, ये पाकिस्तान की मीडिया ही बोल रहा है, कौन भाग गया है, अरे भाई म्यूट कर यार, हेलो 20 सेकंड्स म्यूट कर, लाइन ऑफ गॉड एक मिनट, एक एक आदमी एक ही टाइम बात करो प्लीज, ओवरलैपिंग होता है कुछ सुनाई नहीं देता है, गोदी मीडिया जी आप बोलिए फिर मैं दूसरे को लूंगी जी, जी अभी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ कि एक तो मिस्र, आप जानती होगी शायद, मिस्र ने भारत से हेल्प मांगी कि भैया हमारी हालत खराब है, पतली हो रखी है, खाने को आटा नहीं है और लोग हम पे अटैक कर रहे हैं, तो हमको कुछ दान दक्षिणा दे दो, तो इंडिया ने सुन ठीक है, तो मिस्र को इंडिया ने पहले तो अनाज दे दिया और आज प्रलय मिसाइल का ऑर्डर उन्होंने बोल दिया कि हम दे देंगे आपको, साथ में हम आपको सुखोई हो मतलब सुखोई मांगे तो सुखोई सॉरी सुखोई नहीं तेजस, तेजस देने के लिए इंडिया ने मिस्र को कह दिया कि हम देंगे, और मिस्र पांव में पड़ा है इंडिया के, पहली न्यूज। दूसरी न्यूज ये कि पाकिस्तान में मारकाट मची हुई है मैडम दीदी, मारकाट मची हुई है आटे के लिए, आपको पता नहीं है, और गिलगित बल्चिस्तान जो वहां का एरिया है पाक ऑक्यूपाइड, उसको इन्होंने बंद कर दिया है, हम अनाज नहीं देंगे, वहां पे लोगों ने सड़कें जाम कर दी है और पाकिस्तान से कोई बंदा घुस नहीं पा रहा है गिलगित बल्चिस्तान में, और कंडीशन ये हो चुकी है वहां पर कि साहब उन्होंने वहां पर बल्चिस्तान में तो खाना ही नहीं है जी। और लोग मतलब माइनस डिग्री के माइनस 5 or 7 degrees के अंदर बैठ करके, और वो मतलब एजाज कर रहे हैं, एजाज को अभी सलाइन को सुन सुन के मतलब हिंदी भी मेरी उर्दू हो गई है, मतलब वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पर, और कंडीशन इतनी गंदी है कि मतलब लोग मरने मारने को उतारू है, लोग लाशें खा रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूं मैं आपको ब्रेकिंग, कि लोग लाशें खा रहे हैं वहां पर, वहां जाकर के कब्रिस्तान में लोग बैठ करके लाशें खा रहे हैं, पुरानी लाशें निकाल के, ये कंडीशन है उसका, वो दिखाइए ना ऑथेंटिकेशन तो दिखाइए, आप लोग झूठ बोलते हैं यार, तू जाके ढूंढ भाई, जो रेफरेंस देता है वो जो रेफरेंस दिखाता है ना वो, मैं क्यों दूं, अबे बकर बंद कर, अबे बकर बंद कर भाई, आप लोग झूठ बोलते रहते सिर्फ बैठ कर, बकर बंद कर, बकर बंद कर, अभी बोल दिया था पीछे झूठ बोल दिया ना, अभी तो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल बोल रहा था ना, वहां जाके देख, नहीं आप लोग सिर्फ झूठ बोलते भाई, आप लोग चलिए आप लोग ना वो न्यूज दिखाते हैं जो आप लोगों के सर्कल वाला दिखाता है, झूठ एक न्यूज, अच्छा 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 एक न्यूज देता हूँ, ईरान ने कल शायद कल की बात है, हाँ कल की बात है आई थिंक, नहीं सॉरी परसों की बात है, 4 पाकिस्तानी नागरिक मार दिए, मतलब पाकिस्तानी सैनिक, ईरान तो भाई है तुम्हारा, एक सेकंड हेलो, एक जस्ट वन न्यूज, मोरक्को ने भी इंडियन आर्मी के ट्रक्स मंगवाए, मोरक्को ने भी, मलेशिया भी हमसे प्लेन्स खरीदने में इंटरेस्टेड है, पुलवामा में जो अटैक हुआ था इसको म्यूट उसके बारे में आप लोग म्यूट कीजिए, हाँ म्यूट कीजिए, म्यूट कर दीजिए, जवाब नहीं होगा तो म्यूट कीजिए,
अब पाकिस्तान अरे मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले भाई, जब जवाब नहीं होता है ना तो म्यूट किया जाता है, हमें मालूम है। अब नहीं म्यूट, अरे बात तो सुन ले, बात करने का मौका दे रहे हैं। तो ठीक है, मेरे को पहले आप उस पर देता हूँ, फिर बात कर लेंगे। अपनी बात रख के किसी को भी बात करने का मौका, आपको कोई अनम्यूट नहीं करेगा साजिद भाई, और ना बैक स्टेज करेगा। आप सुन भी लिया करो ना, गोदी मीडिया भाई बोल रहे, सुन लिया करो, सुन लो उनकी भाई। मैं सुन भी रहा हूँ, चार दिन के बाद आज बोल रहा हूँ, अरे चार दिन के बाद मैं बोल रहा हूँ, एक बार सुन ले पूरी न्यूज, बताता हूँ। अभी मिस्टर को इंडिया ने प्रलय मिसाइल देने के लिए कह दिया कि दे देंगे भैया, और तेजस और दे देंगे तेरे को। उन्होंने तेजस मांगे, दे दिए, हमने दे दिए, मान लिया आज कि हम दे देंगे। अभी एक और न्यूज देता हूं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई सैनिकों को मार दिया है, लेटेस्ट में ब्रेकिंग है, आपको ताजा ब्रेकिंग दे रहा हूं मैं। और इसके अलावा कंडीशन यह है भैया, आप बोले थे साजिद भाई, तो वेलकम है, मेरे चैनल पर आइएगा, बात कीजिएगा, बताता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर एक सवाल पूछना था, बात तो सुनिए, एक सवाल यहाँ पर पूछना था, अब मुझे पूछने देंगे? आपने जो अफगानिस्तान का बात किया था, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। बोलिए जब तालिबान की हुकूमत आई थी शुरू शुरू, तो इंडियन मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, इसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं कि आतंकवादी तालिबान, लेकिन अभी मोदी जी खुद सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है, तो ये जो दुगला रवैया जो है इंडियन मीडिया का, इसलिए आप लोग इसको क्यों नहीं करते? आप लोग अपने को देखिए ना भाई, दूसरे का क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, उसको क्या मतलब है हमें? चलो बताता हूं मैं, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त। एंड वन थिंग, समझ गए? बी ऑनेस्ट, एक चीज है कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर बताओ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये आपने कहां से साबित किया? साजिद भाई एक मिनट, लाइन ऑफ गॉड को बोलने दीजिए, वो दो बार बाहर भी निकल चुके, एक बार वो बोले और हिंदी में, ये जो बोले हैं अभी भाई साहब जो बोले हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहां से साबित किया आपने? अपने मुंह से बोल दिया, हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता, अपना राष्ट्रहित सबसे परमानेंट होता है। एंड मतलब इंडिया का राष्ट्रहित देश में देखेगा, वो इंडिया उसी हिसाब से बिहेव करेगा। चलिए तो अब एक और बात बताता हूं, हम एक चीज देखते हैं, आप लोग मुसलमान के खिलाफ, लेकिन अरे ब्रेकिंग, आप लोग के अंदर जो खराबी उसको कभी एक्सपोज नहीं करते हैं। अभी ब्रेकिंग तो लो, आज की ब्रेकिंग लो, उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेना, उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेना, धर्म दल वाले जो आतंकवादी फैला रहे हैं, आप उस पे कभी बात नहीं करते हैं, समझ रहे? आप लोग मुसलमान को कोच कर रहे थे, नहीं तो आप ये बताइए, जो जय श्री राम के नाम लेने के लेके जो मार देते हैं, जो तबरेज अंसारी को मार दिया, तो आप उसको कंडेम क्यों नहीं करते? कन्हैया लाल को भी मारा भाई, उसको भी कंडेम आपको पता है? पाकिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तानी मुस्लिम इंडिया के मुस्लिम कांग्रेस सरकार ने मिलके हमारे कश्मीरी भाई बहनों को मारा है। अरे तो हम तो गलत बोलते हैं, हम तो गलत बोलते हैं, जो किसी देवराव को मारा वो गलत कर रहा है, आप नहीं बोलते हैं। हिंदू ट्राइब जो है, इस पर आप लोग कहीं बात करती है? भगवा हिंदू ट्राइब जो है, कभी कभी बात करती है? आप लोग मुसलमान को देखिए, पाकिस्तान में हिंदू कभी बात नहीं की, हमें मालूम है कोई भी हिंदू में इतना दम नहीं की जो आपसे बात कर रहे हैं। दीदी एक मिनट, अरे दीदी एक मिनट सुनिए मेरी बात, जो जो जय श्री राम बोल देता है वो मुर्तद हो जाता है, अब ये मुर्तद हो गए, ठीक है? आपको जो बोलना बोलते रहिए, ठीक है? मुर्तद हो गए भाई साहब, आपने जैसे राम बोला आप मुर्तद हो गए। कि जिस स्टेट में गाय खाना लीगल है वहां पर खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, ये बताइए आप, देखते आप जवाब देते हैं कि नहीं। साजिद भाई मैं एक बात बताऊं, गाय खा सुअर खा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तू निकल बस, तेरा बहुत हो गया। जवाब नहीं है तो निकालोगे? मालूम है जवाब नहीं होता है ना तो निकाला जाता है उसको। चलिए एक बात और बता दूं मैं आपको, एक जवाब नहीं है क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है कुछ पढ़ लेते गोदी मीडिया, न्यूज देते हैं और न्यूज ही देते हैं सिर्फ, और कुछ फालतू बात नहीं करते। हाँ न्यूज दो गोदी मीडिया, जवाब दे रहा हूँ, इनको म्यूट कर रहे ना प्लीज, एक ये आजमगढ़ की न्यूज दे रहा हूँ मैं आपको। आजमगढ़ के अंदर चार कोई थी, क्या बोलते हैं अब आप क्या बोलोगे, चार रूबीना थी या उनको आयशा बोल रहे या कुछ बोल रहे, चार थी वो, और वो जेल के अंदर जा रही थी लोगों से मिलने, गांजा लेके जाती थी वो, मैंने भी पढ़ा है, गांजा ले जाती थी। हाँ, उनको धर लिया आज, उनको धर लिया आज। और कच्छ के अंदर एक मौलाना जोर जोर से चिल्ला रहा है कि कच्छ के पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में हमारी मदरसे तोड़ रहे हैं, 45 मदरसे तोड़ दिया गुजरात सरकार ने।
अच्छा अब ये जो पंडित लोग जो रेप करते हैं उस पर क्यों नहीं बोलते आप? सवाल तो ये है मेरा मुझे एक मिनट ये रेप की बात आ गया ना, मैं बात करता हूँ, एक मिनट मेरा बात सुन लो। हाँ देखो सज्जाद जी, आप पाकिस्तान को इंडिया हेल्प नहीं किया, अफगान से हेल्प कर रहे बोल रहे ना, एक बात याद करो, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को हेल्प किया था फ्लड के टाइम पे, पाकिस्तान ने टुकड़ा दिया, याद रख लो ये न्यूज है। और दूसरी बात, एक मिनट रुक जाओ, सब लोग बाबा जिलेबी जो थे। साजिद भाई आपको कभी को मौका नहीं देता है कोई बात करने का, आप तो बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो, थोड़ी बात आप भी करो तो सामने वाले को भी बात करने दो ना। आप लोगों ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया अभी। बाबा जिलेबी जो रेप किए हैं 120 लड़के, साजिद आप सारे 10 सेकंड के लिए चुप हो रहा, 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड करना चाहिए। साजिद बहुत बोला, साजिद साजिद पढ़ा लिखा है, खैर रुको 10 सेकंड के लिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, साजिद 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 भाई मेरे, साजिद 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 बात सुन ले, 10 सेकंड के लिए सुन ले साजिद मेरी बात, कोई नहीं बोल रहा, 10 सेकंड के लिए मेरी बात सुन साजिद। जिनका तू नाम लेके यहाँ पर आया था और एक्स एथियस्ट पूजा बहन को तू ये बोल रहा था, इतना मौका कोई देता तुम लोगों को बकवास करने का? इतनी बकवास कर रहा है, तेरे को इतनी तमीज नहीं है कि तू किसी की बात सुन ले, न्यूज सुन ले? गोदी मीडिया तो कोई इधर उधर की धर्म धर्म की बात नहीं करते, वो सिर्फ न्यूज। और सुहेल भाई ने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया तूने वो कर दिया, कम से कम इतना तो कर। मैंने म्यूट लगा के रखा कितनी देर से, तो जिनका तू नाम लेके आया है उन वो उनका मेरे को भी देखा होगा, दिया उसने मौका? इतना चैलेंज तुम लोग मेरे को नीचे देते थे। हाँ आप बोलना भाई, तो इसको मैं साजिद को बोल रहा हूँ, साजिद थोड़ा सा बिहेव कर, मैनर्स रख। हाँ मुझे अभी स्ट्रीम वो भी करनी है, प्लीज लाइन ऑफ गॉड जी आप बोलिए थोड़ा। हाँ जी, साजिद भाई आपने काफी आरएसएस वगैरह के बारे में बात की, इसी चैनल पे वीडियो है, मेरी पूजा जी से आर्ग्यूमेंट भी थी पिछले 2-3 दिन पहले अबाउट क्यों इंडिया को सेक्युलर राष्ट्र ही रहना चाहिए। आप इंडियन हैं तो यू आर फ्रॉम माइनॉरिटी, मैं माइक्रो माइनॉरिटी से हूँ, ये ध्यान रखिए आप। दूसरी बात मैम, आपने पाकिस्तान का मुद्दा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जन आपने 3 जंगों की बात करी, 4 जंगों की, उसमें से 1999 बिल्कुल हार गए ये लोग। जी हाँ जी बिल्कुल मैम, एंड 1999 पर्टिकुलरली इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट मैम, क्योंकि मेरे पापा उस टाइम कश्मीर में सर्व कर रहे थे, सो दैट इज एक्सट्रीमली क्लोज टू मी, एंड पाकिस्तान कभी इससे नहीं निकल पाएगा। आपका यहूदी है क्या? जिसकी नींव है जेनोसाइड, जिसकी नींव है यहूदी है क्या आप? यस जी हाँ, एक मिनट, हाँ बोलिए लाइन ऑफ गॉड जी बोलिए। जी हाँ बोलिए जी। सो पाकिस्तान कभी इस साइकिल से नहीं आ पाएगा, उसकी नींव है नफरत, उसकी नींव है जेनोसाइड मैम। 10 लाख बंगालियों का जेनोसाइड 1971, आई नो, बलोचियों का जेनोसाइड अभी, एंड अब बलोचिस्तान में क्या हो रहा है मैम, जो ग्वादर पोर्ट है इनका, और अभी भी जो हिंदुओं की हालत की है उन लोगों ने, फॉर स्मॉल ब्लास्फेमी इज द बिगेस्ट दिस दे कैन पुट ऑन एनीबॉडी, और जिस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं लड़कियों को। लाइन ऑफ गॉड साहब, लाइन ऑफ गॉड साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, मार रहे हैं हिंदुओं को, और मेरे फादर वहां पे थे 71 की वॉर के अंदर, आज भी उनके निशान देखता हूं मैं। लाइन ऑफ गॉड जी आप सही बोल रहे हैं बहुत हद तक, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं ना सर कि जो इंडिया में जो नफरत फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग?
सवाल ये है मेरा। अरे भाई उसी के खिलाफ तो बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ तो बात कर रहे हैं। क्या लिखा है कि इतनी नफरत हमारे इंडिया में फैल रही है, उसी के लिए तो ये मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। कौन सा नफरत? कौन सा नफरत? ये पूजा जी जब डिबेट हुई थी, ये पूजा जी जब डिबेट हुई थी सैम स्टोलन के साथ में, तो वो क्या उसको बोली थी? सैम स्टोलन को बोली थी कि तुम लोग पाकिस्तान जाओ। ये क्या है? ये खुद बोलती है और डॉक्टर बैठ के बोल रहे हैं। मैं बोली थी, मैंने अपोलोजाइज किया, लेकिन आज मैं बोलती हूँ कि जिसको इतना दर्द होता है ना दूसरे देश में देश का, तो प्लीज चले जाओ। आज भी बोलती हूँ, अगर ये हिंदुस्तान है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये हमारा ही देश है, आप सबका भी देश है, लेकिन बात वहां की मत करो। आपको कितना बुरा लग गया तारिक जमील के बारे में? क्यों भाई आपको? अरे दीदी भाई, अगर आप सच बोलते तो कोई बात नहीं, झूठ बोली ना, झूठ, हमें झूठ से नफरत है, झूठ से नफरत। तारिक जमील साहब अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, ओके, लेकिन जब वो ऐसा किए नहीं, आप झूठ क्यों बोली? अरे बात तो सुन लो, अरे न्यूज़ दे रहा हूं, आपने अपने चैनल से, आपने अपने चैनल से प्रमोट कर दिया ना उसको। अरे यार एक मिनट तो रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ ना, मेरी बात सुन लो। कि भाई साहब मतलब ये झूठ है कि वो कनाडा भी नहीं गए, मतलब ये बात झूठ है। कनाडा गए हैं, कनाडा गए हैं वो, लेकिन जो ये 49 बिलियन रुपीस का जो मामला है ना, ये फेक है। उनका बेटा खुद बोल रहा है। ओके ब्रिलियंट। अरे बात सुन लो भैया, एक मिनट अभी प्लीज कोई भी बात मत करो। लाइन ऑफ गॉड आपका बात हो गया तो मैं आपको जी मैम 2 मिनट। पूजा मैम, पूजा मैम, ये तुफैल चतुर्वेदी, संजय दीक्षित और ये पुष्पेंद्र कुशरेट जो नफरत भरता है दिन रात, इसके खिलाफ क्यों नहीं बात कर रहे? ये बताइए, सवाल ये है। लाइन ऑफ गॉड साहब भरते हो काफिरों के लिए नफरत? मैं बोलता हूँ साजिद, ये जो अभी इन्होंने बोली है इसी बात का जवाब दूंगा, बाकी बात पे नहीं बोला। साजिद भाई अभी आपने बोली, आप ये मत सोचो मुझे कुछ काम है इस वजह से मैंने म्यूट लगा रखा है। तुफैल चतुर्वेदी बोलता है कि तुफैल चतुर्वेदी बोलता है कि भाई जेनोसाइड करने को और क्या बोलते हैं मॉब लिंचिंग करने को वो सपोर्ट करता है, और आप मेरी बात क्यों नहीं बोलते भाई? लायन ऑफ जीडी भाई, एक सेकंड मैं एक इनको लास्ट बात बोल दूं, फिर मैं अपना म्यूट लगा लेता हूं अपने आप से। देखो साजिद भाई, जिन लोगों के आपने नाम लिए ना भाई मेरे, इनका तरीका अगर आपको गलत लग सकता है, वैसे तरीका भी गलत नहीं होता है इनका, जिनका पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का नाम लिया आपने, मेरी एक बात सुन लो। वो चतुर्वेदी बोलता है साजिद भाई इतना रिस्पेक्ट करके आपसे बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, बात मैं भी वही कर रहा हूं भाई, आप लोगों आपको। अरे भाई एक एक बोलो नहीं, सच बोलते हाँ एक एक ही बोल रहे हैं गोदी मीडिया भाई, सच बोलते हैं साजिद भाई, वो सच बोलते हैं, गलत नहीं बोलते। अगर गलत बोलते तो आप काटो ना, फैक्ट से काटो। हाँ जी अब बोलो। मैं अरे भाई रुक जाओ, ओजम भाई काटो, ओजम भाई एक मिनट। तुफैल चतुर्वेदी जो बोलता है, तुफैल चतुर्वेदी जो बोलता है कि भाई मॉब लिंचिंग करना सही है, आप इसको सही पढ़िए। साजिद भाई सुन ले, साजिद सुन ले भाई, मैं नीड टू रिप्लाई टू हिम प्लीज। साजिद एक वन सेकंड गाइस, तो आप उसके लिए क्यों नहीं बोलते हो जो ओवैसी और उसके भाई ने हैदराबाद में इतना जिहाद मचा रखा है, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि हमारी तादाद ऐसे बड़ी है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तब कहां चले जाते हो भाई तुम लोग? कुछ गलत बोलता है तो मैं उसको कंडेम अभी करूंगा, आप मुझे दिखाइए। और अभी मैं तुफैल चतुर्वेदी का मैं अभी आपको ऑडियो सुना दूंगा, अभी 15 मिनट के लिए हटा दो, हम बता देंगे क्या है। मेरे यहाँ ऑडियो किसी का भी नहीं चलाओगे आप, प्लीज आपको जो भी बोलना है आप उनके चैनल पर जाकर बोलिए, यहाँ पर मैं किसी के भी चैनल का। अच्छा पूजा मैम, एक आपकी परमिशन से एक लास्ट बात इनसे पूछना चाहूंगा, बाकी आप जो मर्जी करना उसके बाद। साजिद भाई कल अपनी 19th जनवरी थी, तो इसके बारे में कुछ इतिहास का आपको पता कि 19th जनवरी क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? इतना बताइए, सिर्फ ये 15 सेकंड का टाइम है, कोई ना बोले। आपको कुछ पता है लाइन ऑफ जीडी एक 15 सेकंड। साजिद भाई आपको पता है 19th जनवरी किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इंडियंस के लिए? नहीं पता तो यही, हमारा जेनोसाइड कश्मीरी पंडित का 19th जनवरी से स्टार्ट हुआ था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और हमारे महाराणा प्रताप सिंह जी बिल्कुल सही, ये है आपकी हकीकत। रोहिंग्या के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, आप ये मूवी बना के आप लोगों को और ब्रेन वॉश कर दिया है, आप लोग सिर्फ झूठ पर जी रहे हैं भाई। गोदी मीडिया भाई ने भी मेरे को सेकंड कर दिया, उन्होंने भी अपना टेबल वगैरह बजा दिया, नाली बजा दी। साजिद भाई ये डोगलापन, डोगलापन इसको बोलते हैं। आप लोग झूठ पर जी रहे हैं। यहाँ पर इनका हो गया लाइन ऑफ गॉड जी, आपका हो गया बात करके, उनको बात करने मिल ही नहीं रहा है।
प्लीज उनको दो मिनट बात करने दो, फिर मैं दूसरों को ले जी मैम, मैं गिन के लीव कर दूंगा। सो साजिद भाई, मैं माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूँ, मेरी पूजा मैम से सेक्युलरिज्म पे ही आर्ग्यूमेंट हुई थी, 6-7 मिनट की वो आर्ग्यूमेंट थी 3-4 दिन पहले। एंड कमिंग टू दिस मैम, आई विल टेल यू विद ऑल सिंसियरिटी, मेरा सैल्यूट जो है वो सिर्फ इंडियन रिपब्लिक के लिए होगा, इजराइल से मेरा क्या लेना देना मैम। इजराइल इज ऑलवेज सेकंड टू मी एंड आई लाइक इजराइल बिकॉज इट्स अ फ्रेंड ऑफ साधु आ दे आपको, आपको साधु आ दे मेरी तरफ से। कल को अगर इजराइल बिकम्स एंटी इंडिया, गॉड फॉरबिड इफ इट बिकम्स, तो आई विल कंडेम इजराइल मैम। It's only नहीं the tricolor which हो ही नहीं सकता इज़राइल, हो ही नहीं सकता इज़राइल एंड इंडिया, सॉरी जी, तभी मैंने बोला ना गॉड फॉरबिड। सो सी एंड दैट्स द थिंग मैम। एंड पाकिस्तान के बारे में 3-4 साल पहले एक एड निकली थी वहां पे फौज भर्ती की, वो फौज में किस चीज के लिए भर्ती की थी मैम, सफाई वालों के लिए। वहां पे दे वर सेइंग वी विल ओनली रिक्रूट नॉन मुस्लिम्स फॉर सफाई वालास इन पाकिस्तान फौज। जी जी पता है मुझे, लुक एट द एक्सटेंट ऑफ देयर आर्मी मैम। ठीक है, एंड लुक एट आवर ग्रेट आर्मी मैम, 5000 सिर्फ 5000 जिस कम्युनिटी की तादाद है, उस कम्युनिटी का बंदा लेफ्टिनेंट जनरल बन सकता है मैम हमारी आर्मी में, लेफ्टिनेंट जनरल जेएफआर जेकब। अरे सर, एक हमारे जनरल थे जिन्होंने 71 के अंदर सरेंडर कराया था, अब पूछ लो कौन थे, उनका नाम बताओ। यस यू आर वेरी राइट। तो बॉस हमारा तो कोई भी हो सकता है, अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट हो सकते हैं, और मौलाना अबुल कमाल कलाम हमारे पहले शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, जिनकी दाढ़ी पे टट्टी जिसको बोलते हैं शिट, वो लगाई थी मुसलमानों ने। चलिए मैं म्यूट करता हूँ मुझे कुछ बोलना चतुर्वेदी जो बोलता है, एक एक बोले प्लीज दीदी, एक बार बोले तो गोदी में दे दीजिए, एक मिनट, एक सेकंड, मैं ये बोल रही हूँ साजिद, अगर मैं ये बोल रही हूँ किसी का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है पाकिस्तान चले जाएं, किसी का नेपाल के लिए धड़कता है नेपाल चले जाओ, किसी का दिल बांग्लादेश के लिए धड़क रहा है तो वहां चले जाओ, अमेरिका के लिए धड़क रहा है वहां चले जाओ, बट हमारे देश में रहके हमसे गद्दारी नहीं करोगे। किसी का दिल अमेरिका के लिए धड़क रहा है तो प्लीज वहीं चले जाओ, प्लीज इंडिया में रह के और इंडियन झूठ जो फैलाया जा रहा है उसके लिए धड़क रहा है वो कहां जाए भाई। हमारा दिल कोई झूठ के लिए नहीं फैला रहा है, तो अच्छा ये साजिद भाई, सनातन भाई कब से वेट कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगी अभी, प्लीज एक चीज बता दीजिए, तुफैल चतुर्वेदी जो मतलब कि नफरत फैलाता है, तो ए मेरे भाई कंडेम तो कीजिए, अरे मैडम कंडेम तो कीजिए, या तो बोलिए ओबीसी के पे चल रहा है, ओबीसी के चरण कदमों पे चल रहे हैं, एक भी इंसान ईमानदार नहीं दिख रहा आपके स्क्रीन में, एक भी नहीं दिख रहा है, किसी की मुंह नहीं निकल रहा है, किसी की तो इज्जत रख ले भाई, एक मिनट चुप हो जाना, एक अरे कोई बहुत देर से चुपचाप बैठा है उसको बोलने देना, एक मिनट दे दे उसको भाई प्लीज, एक भी इंसान ऐसा नहीं मिल रहा है, बहुत अफसोस की बात है जो तुफैल चतुर्वेदी को कंडम कर सके, बहुत अफसोस की बात है। अरे आप जाके कंडम करो वहां पर, उनके चैनल पर जाकर करो, मैं क्यों किसी यूट्यूबर के बारे में बात करूं। तो फिर आप क्यों बात करी पाकिस्तान के बारे में, आप क्यों बात करी जेब के बारे में, आप अपने घर का देखिए पहले, तेरी क्यों चीखें निकल रही है पाकिस्तान के बारे में, तेरा क्या लिंक है, तू खुद बोल रहा था पाकिस्तान से तेरा कोई लिंक नहीं है, तेरी क्यों चीखें निकल रही है अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं मैम, कर रहे मेरी चीख है अंदर से जो नफरत फैला रहा है, दीदी प्लीज इसको निकाल दो, अब निकाल दो, प्लीज अब निकाल दो, अब नहीं हो पाएगा, इसके दिमाग में बातें नहीं, मदरसा छाप है, मदरसा छाप है, निकाल दो निकाल दो निकाल दो। मेरी एक बात सुनो सज्जद भाई, मेरी एक बात सुनो, हम पहली बात तो ये है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, दूसरों के बारे में मेरे चैनल पे बात मत करो, पहली बात तो, और दूसरी बात आपको तब तक मुसलमानों को अच्छा लगता है जब तक कि आपके सामने सब लोग हाथ जोड़े नम्र से रहे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जहां पर किसी ने थोड़ा भी अपना वो दिखाया ना, मैं तो कहती हूँ मैं जगा रही हूँ लोगों को, मैं तो इंसानों को जगा रही हूँ, मैं लिंचिंग के लिए लोगों को उकसा रही हैं और वैसे लोगों का सपोर्ट कर रही हैं, तो आप तो बड़े मजा आ रहे हैं, आप बोलिए तो फिर गलत बोलते हैं, अरे अब होना चाहिए और हम मारेंगे,
हम मारेंगे अब, अब मारेंगे। जी मेरी आवाज आ रही है सनातन जी, आप मेरी आवाज आ रही है जी, बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही है। अभी जो उन्होंने बोला है कि हम मारेंगे, अभी जो वो बोल रहे हैं कि हम मारेंगे, आप अपने सामने से प्रमोट कर रही है ना पूजा जी, आप उनको मना कर रही हैं, शामिल है, मारेंगे। अभी अभी देखा ना, अभी आपने देखा ना कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कैसे मारा है। अभी एक मिनट आप शांत रह सकते हो भाई, मेरी बात सुनो। मैं हर एक मेरे हिंदू भाई बहनों को, सनातन भाई बहनों को जगाऊंगी, और जब तक जगाऊंगी जब तक कि मैं YouTube चला के भाई जागो, किसी का भी कोई जगाने का मतलब क्या है, दहशतगर्द बनाना है। जगाने का मतलब यही कि दहशतगर्द बनाना, उसको आतंकवाद बनाना है, ये मकसद है। अरे आतंकवाद आप हो शाहिद, शाहिद चुप हो जाओ, कुछ भी नॉनसेंस मत बोलो भाई। हमारे कंट्री में हम आतंकवाद फैला रहे यार, तूने यहाँ पर आतंकवाद मचा रखा है शाहिद, यहाँ पर मचा रहा आतंकवाद का डेफिनेशन क्या है? एक मिनट रुको, सनातन को बात करने दो, बाद में बात करना सनातन भाई। आतंकवाद का डेफिनेशन क्या है? अभी कोई बात नहीं, एक मिनट रुकिए। जो कन्हैया लाल के साथ हुआ है वो है, अब शट योर माउथ प्लीज। और तबरेज अंसारी के साथ जो वो क्या है? तबरेज अंसारी के साथ पाकिस्तान में मिल गया, श्री राम का नारा लगा करके जो मार दिया है, पहलू खान को जो मार दिया है, इखलाक अहमद को जो मार दिया है, वो क्या है? मुंह से कभी तक नहीं निकल सकता आप लोगों के, कभी नहीं निकलेगा। आप लोग झूठ पर जी रही है। मैं दूसरे को ले रही हूँ, आपको कुछ बोलना है? सनातन भाई आप बोलिए। जी हाँ सनातन भाई आप बोलिए। जी मैं सनातन धर्म से ताल्लुक रखता हूँ, और मैं सनातन धर्म से ताल्लुक रखता हूँ और सभी मजहब और धर्म की इज्जत रखता हूँ। तो मैं बात बताता हूँ कि अभी जो भी पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी की वजह से वो पाकिस्तान डूबा हुआ है। मतलब मैं मानता हूँ कि उनकी विचारधारा से नहीं डूबा है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, करप्शन या फिर ऐसा कुछ हुआ है, तो उन पॉलिसी की वजह से वो पाकिस्तान डूबा है। मेरा मानना है कि इसमें धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं है कि जो एक मुल्क को डूबा दे। और रही बात जो हमारे इंडिया में है, तो हमें जैसे जो बाकी देशों में होता है वैसे ही हमारे देश में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी बाकी देश, सनातन जी आपकी बात को काटू यहाँ पर, आपने कहा इसमें धर्म का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, कश्मीर क्या कहते हैं, कश्मीर के पीछे पाकिस्तान ने अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर वो अपनी मुस्लिम उम्मत को देखता है कि वहां उनकी मुस्लिम मेजोरिटी है, वो उनके साथ होनी चाहिए। और भारत के साथ दुश्मनी ली क्यों? क्योंकि भारत एक काफिर देश है, ठीक है। क्या यहाँ पर धर्म का हाथ नहीं है? क्या इनके मजहब का हाथ नहीं है? क्या उस शिक्षा का हाथ नहीं है जो इनको ये बताती है कि मुसलमान को छोड़कर बाकी जितने भी है वो सब काफिर है, जो मोहम्मद नहीं मानते वो काफिर है? क्या ये आइडियोलॉजी कारण नहीं है कि ये पाकिस्तान की आज जो दुर्दशा है वो इस आइडियोलॉजी की वजह से? अगर इनको ऐसी आइडियोलॉजी ना दी गई होती, इनको ईश्वर ने ये बताया होता कि बेटा जो मुझे माने वो भी मेरा अपना है, जो मुझे ना भी माने वो भी मुझे उतना ही प्यारा है, तो क्या आज राहुल गांधी पहुंच गए कश्मीर और वो बोल रहे कि वो लाल चौक पे वो तिरंगा नहीं फहराएंगे? बात तो सुन लो भैया, अरे बहुत ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि राहुल गांधी पहुंच गए, राहुल खान पहुंच गए लाल चौक कश्मीर में और बोल रहे कि मैं तिरंगा लाल चौक पे नहीं फहराऊंगा। जी वो फहरा तो यहाँ पर सनातन जी आपकी बात हो गई। जी बोलिए जी। मेरा आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आप सेक्युलर इसमें मानते हो? आप इंडिया से ही होंगे तो आप सेक्युलर इसमें मानते हो? जी मैं इंडिया से ही हूँ। अगर अभी जब कोई भी मजहब या फिर धर्म गलत बातें नहीं सिखाता, अगर उसको कोई गलत समझ रहा है या फिर गलत कर रहा है, नहीं, नो, यू आर रॉन्ग ओवर हियर, आई बेग टू डिफर। ये मत कहो कि नहीं सिखाता है गलत, प्लीज। आई नो व्हाट इट इज। तो आप नहीं, एक मिनट, एक मिनट, यही आपका झूठ है। इस्लाम क्या गलत सिखाता बताइए, इस्लाम सिखाता है माँ के ऊपर चढ़ना, कहाँ पे लिखा हुआ है? हिंदुइज्म बताता है ब्राह्मण अपने बेटी के साथ सेक्स किया। सबसे गलत बात ये लिखी है कि हिंदू काफिर है, हिंदू कोटी है,
हिंदू को मारो, ये कहाँ लिखा हुआ, ये कहाँ लिखा हुआ बताइए, कहाँ लिखा हुआ? फिर झूठ बोली आपने, फिर झूठ बोला है आपने, फिर झूठ बोला है अभी, कहाँ लिखा हुआ दिखाइए भाई मेरे सज्जाद भाई। मैं अभी यहाँ पर कुरान की आयतें लेके नहीं बैठी हूँ, तो मैं आपको जरूर बता दूँ एक मुसलमान यहाँ पर हाजिर है और झूठ क्यों बोल रही है। आपके हदीस में सब कुछ लिखा हुआ है, बकवास मत करो मेरे साथ में, मैं जानती हूँ मुस्लिम हूँ। भाई साहब मैं हम लोगों का क्या होगा मरने के बाद? हम नहीं मानते मोहम्मद को, हम नहीं मानते अल्लाह को, हमारे बारे में क्या कहती है आप कुरान और हदीस? ठीक है, क्या कहती है बताओ, क्या कहती है? और हमारी माँ बहन बेटी भाई तो आप मानते नहीं है कुरान और हदीस को, तो फिर वो क्या है? बता भाई, बता, आप बता, आप बता, माल गनीमत क्या है? नहीं, माल गनीमत क्या है? अभी अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। हेलो हेलो, बात जवाब सुनेंगे तब तो, जवाब सुनेंगे ना। वन मोर थिंग, तुम लोग कौन होते हो हमें डिसाइड करने वाले? हम जहन्नुमी हैं कि हम क्या है, वो तो बेटी है, खेल रही है, दिन रात झूठ बोलती है, दिन रात तफड़ फैलाती है, आतंकवाद को सपोर्ट करती है, टेररिज्म को सपोर्ट करती है, और हम बोले भी नहीं आपको, पूरा गंद मिटा दिया आप लोगों ने बैठ कर, और आपको कोई बोले भी नहीं। ओसामा बिन लादेन कहां मिला था ये बता दे मेरे को, ओसामा बिन लादेन कहां मिला था ये बता दे। साजिद भाई ये सुन जाना, साजिद भाई 15 सेकंड भाई, साजिद भाई जब मैं बाकियों को बोल रहा हूँ आप क्यों म्यूट क्यों नहीं होते? साजिद भाई किसने अनम्यूट? साजिद भाई सुनो, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, जिनके आप बन के आए थे ना एजेंट, मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा जो गंदा वर्ड है, आप जिनके एजेंट बन के आए थे ना, आप बताओ क्या इतना टाइम बकवास करने के लिए वो देते हैं? जब अच्छे एहतराम से, अरे सुन साजिद, तू इज्जत देने के लायक नहीं है, तू बोल रहा है जिनका तू दल्ला बन के आया था ना, सुन ले, जिनका तू दल्ला बन के आया था वो देते हैं टाइम, क्या होता है तो बताते नहीं है, बराबर बेटी के साथ सेक्स कैसे किया वो बताते नहीं है, ओके। और आप लोग दिन रात मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, साजिद जिनका नाम तू लेके आया था, क्या वो इतना टाइम देते हैं बकवास करने के लिए किसी को? भाई आप तो, आपकी मजबूरी है, आप तो बार बार म्यूट कर रहे हैं। अरे यार ये व्यक्ति पूरी स्ट्रीम खराब कर रहा है, ये व्यक्ति पूरी स्ट्रीम खराब कर रहा है, प्लीज भाई आप लोग तो झूठ का सहारा लेके तो स्ट्रीम चला रहे हैं, पर आप लोग को जो निकाल दो, निकाल दो, आपके पास निकालने के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सात कुश्तों की चीखें निकलती साजिद अगर मेरा चैनल होता तो, इस मेरा चैनल निकालने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। आप लोग चीखें निकलती पूरी स्क्रीन झूठ पर कर दो, अब जो आपको आके बोले कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो उसको निकाल दो। साजिद भाई एक बात सुनो पहले, उसके बाद मैं आपको लूंगी, पहले ये एक बात मुझे बोलने दो, अगर आपको लगता है कि हम झूठ फैला रहे हैं, हम ये सिखा रहे हैं लोगों को, नहीं, हम लोगों को सीधा मतलब खड़ा रहना सिखा रहे हैं। मैं उनको कहती हूँ कि जवाब दो, नहीं कटना है किसी का भी सर, नहीं कटना है, तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम्हारा जो ये चलता है ना कि मोहम्मद के बारे में बात करेंगे तो सर तन से जुदा, जो आप लोग एवरी जुम्मा कर रहे थे सबको पत्थरबाजी, क्या नहीं किया यार, क्या नहीं किया, और ऊपर से फिर आप हमको ही कह रहे हो। मैं उन लोगों को ये सिखा रही हूँ कि जागो जागो, हर एक सनातनी को जागना चाहिए बिफोर के आप लोग उनके दरवाजे पे आके उनके साथ क्या करोगे आपको ही पता है। सो प्लीज आप मुझे मत सिखाओ कुछ भी, और ये मत कहो कि नफरत नहीं है, नफरत में ही पलता है, नफरत और डर से ही इस्लाम इतना बड़ा है, वरना ये इस्लाम कब का मर जाता। ओके, यू आर राइट दीदी। एक न्यूज देता हूँ, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को मना कर दिया कि हम $1.5 मिलियन नहीं देंगे। अच्छा। क्योंकि तुम महंगाई बढ़ा रहे हो, और वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा है वो, कौन से वो ब्लैक लिस्ट में आते हैं ना उसको, उसको क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बोल दिया। हाँ देखिए मैं इसको कुछ चीजें हैं जो, अरे बात तो सुन लो, दो मिनट सुन लो, तो वो जो ब्लैक लिस्ट में एक वो इनका वो डालता है, एक वर्ल्ड बैंक है जो लोन देता है, तो उन्होंने बोल दिया कि आप महंगाई बढ़ा रहे हो तो हम $1.5 बिलियन नहीं देंगे, पहले दे रहे थे अब नहीं देंगे। और वो FATF में जो आता है उन्होंने बोल दिया कि आप महंगाई बढ़ाओ नहीं तो हम आपको लोन नहीं देंगे, तो दोनों तरफ से मना हो गया, और UAE ने भी मना कर दिया। UAE, अरे बात तो सुनो, राजेश भाई आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, राजेश भाई आप फिर से ज्वाइन कीजिए, आपकी आवाज बहुत ही वो हो रही है। एनीवे यहाँ पर शफी जी है, शफी जी आपको कुछ बोलना है?
यूएई ने मना कर दिया। वन मिनट सब 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 लोग एक मिनट, सनातन भाई आप बोलिए, आप बोलिए, आप बहुत सेक्युलर लग रहे हैं मुझे। जी हाँ बोलिए। जी जो भी कश्मीर में हुआ, अगर कोई मजहब को गलत इसमें लेता है, जो गलत समझ लेता है, किसी भी धर्म की किताबों को गलत समझ लेता है, समझ लेता अगर है वो गलत, हाँ जो तो जी, अगर जी, वो गलत काम करता है तो उसमें मजहब कोई बुरा बुरा नहीं है या फिर कोई धर्म बुरा नहीं है, वो इंसान बुरा करता है। अच्छा मेरा ठीक है, मैं कश्मीर से हूँ, मैं जवाब दूं आपको, मैं वहीं से ही वैदिक जी आपको जवाब देंगे। तो जो जो बाकी जी जी बोलिए प्लीज। सनातन जी सुनिए, मैं वहीं से ही हूँ, मेरी फैमिली 90s में वहीं से माइग्रेट हुई थी, ठीक है। अपनी आंखों के सामने हमने औरतों को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा है। यही नहीं, इन लोगों ने बाकायदा मस्जिदों से स्पीकरों से ये लोग आवाज करते थे, ठीक है, कि अपनी औरतों को यहाँ पे छोड़ जाओ और निकल जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है, या आप भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके इंस्ट्रक्शन होते थे। और ये यहाँ तक बोलते थे कि अब यहाँ पे दारुल इस्लाम लागू हो गया है। आपको शायद पता नहीं, इस्लाम में कुछ चीजें हैं, जैसे दारुल हरब हो गया, दारुल हक हो गया, दारुल इस्लाम हो गया, ठीक है। जब इनकी मेजोरिटी नहीं होती, जब इनकी तादाद इतनी नहीं होती, तो ये दारुल हरब लागू करते हैं। उसमें प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, आपको शांति की बातें करते हैं। ओसामा बिन लादेन आएगा तो उसको गाली दे देंगे, बोलेंगे तो मुसलमानी नहीं है, और पीछे से उसके लिए दुआ करेंगे। तादाद बढ़ती है तो दारुल हक लागू कर देते हैं। जब लैंड जिहाद करेंगे, आप सड़कों पर बैठ के नमाज पढ़ेंगे, आपकी गाड़ी वेट करती रहेगी, आप एम्बुलेंस वेट करती रहेगी, और सड़क पर तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनकी नमाज नहीं हो जाएगी, ठीक है। आप मीडिया में आके जिहाद करेंगे, लव जिहाद करेंगे, हर तरह का जिहाद करेंगे, आपसे एक एक करके चीजें आपकी छीनते चले जाएंगे। ये आप इनकी किताब एक बार पढ़िए तो सही। आपने जो एजम्पशंस कर रखी है, बड़ी जो आपकी फैंटेसी है वो बहुत अच्छी है, वो कभी मेरी भी हुआ करती थी। मेरी बहुत सही भाई, बहुत सही बोल रहे हो आप। अरे गोदी मीडिया जी बोलने तो दो। मेरी खुद की आंखें तब खुली जब मैंने खुद पहली बार इनकी किताबों में क्या कहते खोलकर पढ़ा, और मैंने स्कॉलर्स को सुना, वो जो लाखों के बीच में बैठकर तकरीर करते हैं, तब मैंने सुना कि इस्लाम वास्तव में है क्या। आप एक बार इस्लाम पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा धर्म और इस्लाम में अंतर क्या है। हम इनके इस्लाम को कई बार धर्म बोलते हैं, इनका इस्लाम धर्म नहीं है, धर्म तो हमारा है और एकमात्र हमारा है, और किसी का दुनिया में नहीं है, वो कल्ट है, जी हां रिलीजन है, पंथ है, ठीक है। इनके पास कमांडमेंट है, आप चाहे इनको अपना गुर्दा काट कर दे दो, चाहे इनका इनके बीमार के लिए अपनी आंखें दान कर दो, आपको दोजख ही मिलेगा और आप काफिर ही हो, ठीक है। और जब इनकी मेजोरिटी आएगी तो ये आपके पास आएंगे, आपको हो सकता है आपकी लकी रहे तो पहले आपको दावत देंगे कि इस्लाम ज्वाइन कर लो, मान गए तो ठीक है, नहीं तो आपको तो काटेंगे मारेंगे ही सही, उसके बाद आपकी बहन बेटी तक को नहीं छोड़ेंगे। आप बहन बेटी बूढ़ी औरत तो दूर की बात रही, आप 6 साल की बच्ची हो, चाहे 6 महीने या 6 मिनट पहले पैदा हुई बच्ची, उस तक को ये नहीं छोड़ते, ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। ये उस तक के साथ गंदगी करते हैं, यही नहीं, ये कईयों के साथ तो ऐसी हरकत करते हैं कि बंदे को बोलते हैं चल अपनी माँ का रेप कर, ठीक है, और वो रेप करता है, उसको रेप करना पड़ता है, उसकी कनपट्टी बंदूक रखी होती है, उसकी बच्ची की कनपट्टी बंदूक रखी होती है, और वो करता है अपनी माँ का रेप। आप करेंगे ऐसे अपनी बहन? और वैदिक भाई फिर एक 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूं। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आप कश्मीरी पंडित हैं, तो मैं तो कश्मीरी पंडित मेरे कई हाँ बोलिए एक मिनट ठीक है। सनातन जी हमने जो इनकी मार काट हम लोग जो हमने देखा है ना, आप विश्वास कीजिए, वहां पर जो हिंदुओं के सबसे क्या कहते हैं करीबी दोस्त हुआ करते थे ना, जो मुस्लिम बड़े दोस्त बना करते थे जिगरी, कि हम तो तुम पे जान छिड़कते हैं, उन लोग वो लोग जो हमारी बेटियों को बेटा बेटा कहके बुलाते थे, ठीक है, बिटिया कहके बुलाते थे, उन्हीं लोगों ने उन्हीं बिटियाओं का रेप किया है और उनका एड्रेस बताया कि वहां पे उठा के लेकर आ। कश्मीर फाइल सत्य है। कश्मीर फाइल का वो फिल्म नहीं है, वो जितनी गीता पवित्र और सत्य है ना उतनी ये फिल्म सत्य है। अगर इससे भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है सनातन जी, तो आपका भविष्य बहुत खतरे में है। और मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया आप, अगर इस देश में हिंदुओं को इस देश में 10 सेकंड का टाइम से खतरा नहीं है जितना की सेक्युलरवादियों से है। 10 सेकंड का टाइम, आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगा, और अपना दिमाग खोलकर इन बातों को ध्यान से सुने। आने वाला भविष्य अगर वो सोते रहे एकजुट नहीं हुए
तो वो मारे जाएंगे, बहुत बुरी तरह से काटे जाएंगे। ये जितने भी आपको सेक्युलर चेहरे टीवी पे दिखाई देते हैं ना, चाहे वो सलमान हो, शाहरुख हो, इन सबकी दाढ़ियां निकल आएंगी, पजामे ऊपर हो जाएंगे और ये पासपोर्ट के साथ यहाँ से भाग जाएंगे। आपके काम एक भी नहीं आएगा, एक भी आपको बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। आप अकेले पड़ जाओगे अगर अभी नहीं एकजुट हुए। आप सोचिए इस बात को, आप कई लोग अगर इस्लाम के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं तो जरूर हम इस्लाम से नफरत करते हैं या घृणा करते हैं, या मुसलमान से नफरत करते हैं या घृणा करते हैं। मुसलमान से नफरत या घृणा नहीं करते हैं, मुसलमान में इतने कोई सुरखाव के पर नहीं लगे कि उनसे इतनी ईर्ष्या और जलन हो रही है भाई हम हमसे रहा। मेरा एक क्वेश्चन है उस किताब के ऊपर, उस किताब में क्या लिखा हुआ है हमारे बारे में? क्वेश्चन है, आपकी माँ बहन बेटी हमारा माले गनीमत है भैया। आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपसे मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि ये एक क्वेश्चन प्लीज, एक लाइन, 10 सेकंड प्लीज, कि ये जो बोलते हैं ना कि गंगा और जमनी, तो ये जमनी कहाँ अरब से लेके आए थे क्या, ये बता दो मेरे को। जमुना की जमुना मैया तो हमारे यहाँ बैठी है, तो बता दो कहाँ से लेके आए। सेकंड चाहूंगा बोझी मीडिया भाई, पूजा बहन, मैं 10 से 15 मिनट, वैदिक भाई 10 से 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड चाहूंगा। सुनो वैदिक भाई, मैं आपकी बात और गोदी मीडिया भाई की बात को एक ही स्टेटमेंट में कवर कर लेता हूं। मेरी एक बात सुनो, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि साथ के पड़ोसी ने, और कश्मीर फाइल के बारे में भी आपने बोला, और मैं हर चैनल पे बोल चुका हूं जहां पर भी मेरे को मौका मिला है, सब एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे, ये जो कश्मीर फाइल मूवी थी ना, ये 0.5% भी नहीं थी जो असली जेनोसाइड हुआ है ना, जो कुछ हुआ है। और एक बात वैदिक भाई, आप वहां के हो और आप बहुत अच्छे से जानोगे, और मैं कश्मीरी पंडित जो हैं उनके साथ पढ़ चुका हूं फ्रॉम सेकंड टू 12th क्लास, मतलब फ्रॉम मेरे चैनल क्लास, मेरे चैनल पे 10 सेकंड पॉइंट पे होना, मेरे मेरे चैनल पे भी आ जाना, ठीक है। गोदी मेरे भाई आऊंगा, सेकंड से 12th क्लास तक मैं पढ़ चुका हूँ, और इनके माँ बाप आके रोते थे जब ये आए वहां पर, उस टाइम पे ये जेनोसाइड हुआ वहां पर रोते थे। और एक बात बताऊं भाई आपको, एक बात आप भी मानोगे, एक ये सच्ची स्टोरी है वैदिक भाई, आप इसको बताना कि ये सही है या गलत है। एक ऐसा भी केस हुआ वहां पर कि जिस टीचर ने, जिस लड़की ने बचपन से उसको पढ़ाया, चाहे ट्यूशन पढ़ाई स्कूल में पढ़ाया मुझे नहीं पता, और उसी लड़के ने उस टाइम पे उसके साथ दुष्कर्म किया, ठीक है, ये बात है। तो 0.5% भी नहीं दिखाया गया, अगर वो पूरा दिखा देते या 1% भी दिखा देते ना, तो ये सेंसर बोर्ड पास नहीं करता भाई मेरे इसको। और एक बात बताऊं, हमारे में तो इतनी अच्छी चीज है, एक बोल के मैं म्यूट लगा रहा हूँ पीपी मैम, एक इतनी अच्छी चीज है, देखो ये लोग तो बोलते हैं कि उस टाइम पे गंदी हो जाती हैं जब पीरियड्स वगैरह, हमारे उसमें वर्ड क्या है, मासिक धर्म, सोच रहे हो पीपी मैम, सोच के देखो, ये कई लोग नहीं सोचते, मासिक कहते हैं महीना, मंथ है ना, तो और धर्म, तो देखो हमारे में तो इतना पवित्र इसका शब्द है, तो बाकी सोचो हमारे साथ कंपेरिजन करोगे, बोलो भाई लोगों आप। जी हाँ, यहाँ पर सीकर जी हैं, सीकर जी आपको कुछ कहना है, आप बोलिए। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी चांस। सीकर जी, हाँ हाँ सीकर जी, आपको जी, आपको भी नमस्कार मैम। मैम एक्चुअली आप सब पॉइंट जो बात कर रहे थे, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं कुछ पॉइंट और रखूंगा इसमें। ये जो इन्होंने बात छेड़ दी कि कश्मीर में जेनोसाइड हुआ है, ऐसे पंडित हाथ क्यों हुआ सर, वहां पर राजपूत और जो सिख थे उनके साथ भी हुआ, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ जितना पंडितों के साथ हुआ। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा और इसके ऊपर सर्च करने की जरूरत है, आप वो पढ़िएगा देखिएगा कि क्यों हुआ ऐसा। और मैम दूसरी चीज ये कि जो इस्लामिक जो जिहाद है आप सबको पता है, ट्रस्ट तो हम नहीं कर सकते, और ये ह्यूमैनिटी की बात आती है। अगर हम कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर में जब कोई ग्रुप या कोई एक सोसाइटी जब चलती है तो सोसाइटी में जिसका मन नहीं होता उसको भी जाना पड़ता है। मैं मुसलमानों की साइड नहीं ले रहा, लेकिन आप एक खुद सोचिए, एक भेड़ियों के झुंड में कोई एक भेड़िया आपका जो होता है वो शाकाहारी नहीं रह सकता, उसको भी मांस खाना ही पड़ेगा, नोचना ही पड़ेगा। तो हम जो सोचते हैं जो सेकुलर हैं और जो बीच में जो लोग पड़े हुए हैं, आप ये जो इस्लामिक जो कल्ट है इसको इतना परेशान किया है इसने वर्ल्ड वाइड, कि सबसे एक पीसफुल कम्युनिटी बुद्धिस्टों ने म्यांमार से इनको मार के भगाया वहां से, कितना तंग किया उन्होंने, लेकिन ये लोग आज भी इस चीज को मानने को राजी नहीं है। अब इससे पहले कोई थे मुस्लिम भाई साहब, वो लगातार अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, कभी पुष्पेंद्र जी के ऊपर बात कर रहे थे, कभी संजीव जी के ऊपर बात कर रहे थे।
आप उनके ऊपर क्वेश्चन उठाने से पहले कम से कम अपने को देखिए सही, हिंदू कम से कम ये तो है वो जानता तो है कि हम गलत कहां पर हैं, हम अपनी गलती को मानते तो हैं कम से कम। आप लोगों ने आज तक तीन तलाक, मुता, हलाला आज तक होते आ रहे हैं, ये इसको भी डिफेंड करते आ रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों के साथ कैसे एडजस्ट किया जाए, इन लोगों के साथ कैसे रहा जाए, और जितना मुझे लगता है कि इनके साथ रहा नहीं जा सकता और ये लोग रहने लायक नहीं है। अगर एक कम्युनिटी जो ये लोग मौलवी मुफ्तियों के साथ ही काम करती है और इन्हीं को ये फॉलो करते हैं ये लोग, और हम लोग चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप कितना ही अपना सर काट के इनके कदमों पर रख दें, दे कांट लिसनिंग, फिर इनको बचपन से ही तैयार किया जाता है, ये जो गले काटे जाते हैं मेमनों के बच्चों के सामने, तो इनके दिल को बचपन से ही मजबूत किया जाता है। एक हिंदू घबरा जाता है अगर सामने कोई मुर्गा भी काटा जाए तो। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस्लामिक ये जो जिहाद है, इस हर कोई इस्लामिक, अगर कोई आपको बोलता ना कि मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ और झूठ पसंद नहीं करता, वो सब झूठ है। ये जब ये लोग मारने काटने पाएंगे तब सब साथ होंगे, इनको साथ देना पड़ेगा चाहे भले ही दिल से ना चाहते हो तो भी। अच्छा मैं सबको बात टीम आप लोगों की, हमारे साथ 530 व्यूअर्स जुड़ चुके हैं इस वक्त, 530 व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारी स्ट्रीम को शेयर करें सबके साथ, लोग ज्यादा से ज्यादा साथ जुड़े, और आई होप अगर ये अच्छा रहे तो आज हम एटलीस्ट 1000 लोगों की ऑडियंस भी क्रॉस करें, तो हम नियर 600 के आसपास आ रहे हैं। यहाँ पर अभी मोहम्मद अली जी आप क्या कहेंगे? जी मैम, थैंक यू। अच्छा, पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था, मैंने कहा मुझसे ज्यादा बेहतर आपको शायद अच्छा ना बता सके, मगर मैं सज्जाद थे उस वक्त ज्वाइन करना चाह रहा था, सब कोशिश कर रहा था मगर हाउस फुल जा रहा था। खैर एनीवे, उनके ऊपर भी मैं आता हूँ, मगर कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँ, आप लोग थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा खोल के सोचेगा। बेसिकली पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस टाइम पे, क्या गंदम की शॉर्टेज है? क्या गंदम कम पैदा हुई? नहीं। क्या क्या नाम आबादी बढ़ गई अचानक? नहीं। गंदम उतनी पैदा हुई है जितनी पहले पिछले सालों में होती रही है, आबादी उतनी ही है जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ उसकी एक रूटीन में चली आ रही है। अचानक ऐसा क्या हुआ? तो अचानक देखिये, मैं पाकिस्तान से एक प्रैक्टिकल मुसलमान हिंदुस्तान के एक चैनल पे बैठ के मैं ओपनली कह रहा हूँ कि हमारा इस वक्त मिसमैनेजमेंट और हमारा करप्शन हमारे आड़े आ गया। ये बेसिकली जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में आप देख रहे हो, जो भी और आप लोग चर्चा कर रहे हो उसके ऊपर, तो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सवाए करप्शन के। अच्छा, जब करप्शन कंट्रोल हो जाती है, सर बीच में ना बोले, सर बीच में ना बोले, आप बोल लीजिएगा, सर बोल लीजिएगा। चले मैम, थैंक यू। मेरे ख्याल है ये लोग बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे मुझे, फिर मैं बाद में ज्वाइन करूंगा। थैंक यू मैम। बोलिए। उनको आ गया गुस्सा। एनीवे, ठीक है, राजेश जी आपको कुछ कहना है? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। स्वागत सुना है जी, नाम में आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। मुझे कहना तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत भीड़ चल रहा है। ये जो भाई लोग बोल रहे हैं मुसलमान आके इस चैनल पर, इस्लाम में क्या है, वो तो 5 बार रोज हमको सुनाते हैं ये अल्लाह के अलावा कोई पूजने के लायक नहीं है। सबसे पहले तो वही गाली 5 बार सुनाता है जी। और फिर कहता है क्या गलत है, जन्म ही हुआ है इस्लाम का, मार काट धार रेप, मतलब है क्या इसमें मानवता का? मैं रोज आपका चैनल सुनता हूँ और सच वाला का, साहिल का, चाहे समीर का भी जी। लेकिन ये ठोक ठोक के कहते हैं जी ये दीन, पीस पीस, मतलब है कहाँ है जी। और ये जितने हमारे 1200 राजेश जी, आप पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ कहिए, क्योंकि उसका वो टॉपिक है आज, आप कुछ कहेंगे उसके बारे में? पाकिस्तान वही, जब तक ये लोग शरिया को मानते रहेंगे, अल्लाह बच्चा पैदा कर रहा है तो खाना क्यों नहीं भेज रहा है? मूल जड़ तो यही है जी, जनसंख्या बढ़ाओ, ये सब इस्लाम के देन है जी। और राजेश कुमार भाई, मैं आप ही बोलिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आपने सही सुना है, पीस का ही है ये रिलीजन, लेकिन आपने थोड़ी स्पेलिंग गलत समझ ली है, स्पेलिंग सही कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। मैं सुन रहा हूँ, 2 साल से सुन रहा हूँ इन लोगों को, मैं पूरा समझ गया हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम भी जग रहे हैं।
और आज आज हम बोल पा रहे हैं कि हुए तो हैं पीस कमिट ने पीस तो किए हैं 60 पीस तो किए हैं या पूजा जी मैं इनको यही बोल रहा हूँ राजेश कुमार भाई पीस दो टाइप के होते हैं ना स्पेलिंग दो टाइप के समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं बताऊँ स्पेलिंग दो ठीक है उसमें हमको नहीं जानना ये जो बार बार उसका तवरेज और पालू खान का बहुत सुना था एक मिनट रुकिए एक बात कर लेने दीजिए बाद में आप बात कीजिए एक मिनट थोड़ा मेरा इस पर जो है चतुर्वेदी जी के चैनल पर इसका बहुत खुलासा किया है जो वो लोग मांस जो है काट के घर में और हिंदुओं के घर में फेंका था बाद में उसका टेस्ट भी हुआ था हमने वो स्ट्रीम सुना था और हमारा इतिहास जो है ना ये सेकुलर वाले लोग ही नाश किए हैं 1200 साल से जी तो राजेश भाई ये PIECE वाला वो पीस है और वो वाला पीस नहीं है शांति वाला पीस नहीं है काटने वाला पीस है मतलब पार्ट्स करना टुकड़े टुकड़े नहीं तो मतलब पीस पीस कट पीस जब से हमने ये सुनना शुरू किया है इस्लाम को कहीं पर भी मतलब इसका जन्म से मतलब हमारे बूथ में हमको भगवान बचाने नहीं आ रहे हैं तो ये अल्लाह इनको खाना क्यों नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान वालों को जी। हमारा बूथ इसीलिए तो रहा था ना जो तुम बचवा लो भगवान से जी हाँ तुम अल्लाह से बचवा लो भूखमरी को जी हाँ यहाँ पर मैं गोल्डन वॉइस जी से बात करना चाहूंगी गोल्डन वॉइस जी आपको क्या बोलना है बोलिए जी जय हिंद और इंसानियत जिंदाबाद थैंक यू मैम जी आपका आज का टॉपिक है पाकिस्तान और आज के हालात जी इसकी जड़ में जाना पड़ेगा मैम अगर आप जड़ में जाएं तो पहले ये देखिए कि पाकिस्तान की पैदाइश कैसे हुई है ये पैदाइश यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान की जहाँ पे हिंदुस्तान से अलग हुआ है जी। पाकिस्तान का जो जोन था पाकिस्तान की डिमांड उठी किस बात पे क्योंकि वहां पे एक अलग सोच पैदा हो चुकी थी जो हमारे बीच में थी जिन्होंने आजादी के टाइम में अपनी अलग से मांग उठाई और उन्होंने पाकिस्तान मांगा पर उससे पहले पाकिस्तान में मतलब करप्ट खून हो चुका था ना उनके जो डीएनए है वो करप्ट हो चुका था ना ये बात तो माननी पड़ेगी तो वो सोच कौन सी है जो उसको आज की तारीख में लाके खड़ा करती है इस कंडीशन पे कि वो आज भूखे मर रहे हैं वहां पे जी वो सोच है दूसरों को लूटने वाली दूसरों के माले गमीनत वाली जो औरतों को मतलब बेजा इस्तेमाल वाली बात बस उसमें कुछ कहने लायक भी नहीं है जी। ये जड़ ऐसी हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान ऐसी जगह में खड़ा है अगर पाकिस्तान का इतिहास देखना है आज मैं एक दो शहरों के नाम बताऊंगा और पहले हमले से बात करूंगा पाकिस्तान पे पाकिस्तान नहीं था ये कभी हिंद था और पाकिस्तान का एक शहर है मुल्तान जिसका असली नाम था मूल स्थान और अगर ईरान के पर्शियन जो अभी हिस्टोरियन है उनकी जो किताबें निकली हैं उनकी उसमें उठा के देखा जाए मैं ये पूछ रही हूँ कि जो पाकिस्तान का जो हाल है इसमें अल्लाह इनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है जिस तरीके से इनका जो हाल हो रहा है उसके बारे में स्पेशली अगर कोई मोमिन है तो प्लीज जुड़ जाओ बिफोर आई खत्म करूं उससे पहले कोई मोमिन आके बताए जी हाँ बोलिए एक बात किसी भी जो चैनल में आपके पैनलिस्ट है कोई भी या आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है जो आज हुकूक सीकर की अभी आया था आपके पास सुपर चैट तो उनका अगर किसी के पास लिंक है तो प्लीज यहाँ पर शेयर कर दे प्राइवेट चैट में तो बहुत मेहरबानी होगी हाँ जी बोलिए तो ये था दैट वाज द गोल्डन सिटी गोल्डन सिटी था जो नाम है मुल्तान का पुराना मूल स्थान इसको पाकिस्तानी खुद भी देखें कोई दिक्कत नहीं है उसमें अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में देखिए सूर्य मंदिर और समथिंग सूर्य कुंड कुछ वहां की आज भी पहचान है जी तो असली बात क्या हुई लूटना आपने सिखा दिया आवाम को किसने सिखा एक एक आसमानी आवाज आई थी जिसने लूटना सिखाया दूसरों को जब आप दूसरों को लूटना शुरू कर देते हैं तो आप में कर्म करने की कंडीशन चली जाती है आपको कमाना नहीं रहता उसके बाद में इसका सीधा सिंपल उदाहरण है कि 1000 साल तक लूटने के बाद भी भारत सिर उठा के खड़ा है और लूटने वाले आज भी भीख मांग रहे अनाज हम भेज रहे हैं ये बात सोच के देखिए आपकी उसका कर मिला जवाब आपको जो आपने जवाब मांगा उसका जवाब ये है नंबर वन नंबर टू है जहां पे इक्वलिटी नहीं होगी अगर औरतों को बराबरी का हक दिया गया होता उनको एजुकेशन दी गई होती तो उन्होंने अपने बच्चे इतने समर्थ इतने मजबूत पैदा किए होते कि वो कहीं ना कहीं कुछ ढंग का काम करते उनमें सोचने की ताकत होती
रीजन नंबर दो नॉन जो लेडीज वही सेम कंडीशन आ जाती है फिर से आसमानी किताब का यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत है औरतों को हक नहीं देना। नंबर तीन एजुकेशन, एजुकेशन के नाम पे आप सिर्फ एक चीज सिखाते हो जेहाद 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 नहीं जहर सिखाते हो जहर। उस जहर ने आपस में मार मार के खोखला कर दिया है वो जहर बेईमानी सिखाती है आपको। नंबर चार में जी जी और एक बात ये एक दूसरे से नफरत सिखाती है जी हाँ सैयद भाई नो टू मुस्लिम्स और क्या नो टू भाई भाई जो बोल रहे हैं वो आप जुड़ जाइए अगर आपको जुड़ना है तो। सैयद भाई मैं बंद करूंगी उसके बाद चैनल खत्म करूंगी स्ट्रीम, उससे पहले अगर आपको जुड़ के तो कुछ बातें करनी है तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। सैयद भाई जी हाँ बोलिए जी। मैम ये पांच प्योर जिनपे एक बात है कि जिनपे कोई भी दीन धर्म या मतलब रिलीजियस जो भी फंडामेंटल है बेसिक वो पांच के पांच वहां पे लैप्स होते हैं, इसलिए पाकिस्तान नहीं कोई सा भी देश डूबने वाला है जो इन इनके मतलब लाइन पे फॉलो करेगा इस सब को, दैट इज द मेन रीजन। अदरवाइज स्वर्ण नगरी जो थी वो आज भूख कटोरा नगरी कैसे हुई, कट्टरता है तो कटोरा है ये बात मैं सबसे बोलता हूँ, कट्टरता दिल में रखोगे तो कटोरा पकड़ोगे ये बात आप कहीं तक लेके जाओ। सही बात है। यहाँ पर अमित जी ने बात कर ली है, थैंक यू सो मच गोल्डन वॉइस जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित जी आपने बोला आपने बात कर ली है? नहीं इन्होंने बात नहीं की है। अमित जी आप म्यूट पर हो और इंडियन जी आपका डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड दैट्स व्हाई आई कांट टेक यू, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है जी। हाँ तो अगर अमित जी आपको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपना माइक। या मैम हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो मैं पाकिस्तान के बोलना चाहूंगा, मैंने पाकिस्तान के बात नहीं की थी। मैं पाकिस्तान का जो सिंपल जो फंडा जो ये है मैम आपको पता है नफरत की बुनियाद पे तो उसके रखा गया था बेस उसका, और आपको पता है कि उन लोगों ने अपने आप को ग्रोथ करने की कोशिश नहीं की। और जब भी पाकिस्तानी कोई बात करता है किसी चीज को लेके देन ही सेज ऑलवेज विद अल्हम्दुलिल्लाह जो कहता है वो हर कोई आदमी हर कोई इंसान इसी से शुरुआत करता है। धर्म जो होता है नसों में मैम वो जा चुका है, दे कैन नॉट सर्वाइव, दे हैव टू बी डिस्ट्रॉयड, वो अपने आप खुद डिस्ट्रॉय करेंगे। ये मुसलमान और इस्लाम का पहला असूल है। ये जानते हुए अभी अरब ने अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, अरब जान चुका है इन चीजों को कि हम लोग कितने खतरनाक हैं आपस में और इस्लाम जो कितना बड़ा जहर का एक पोटली है, तो वो भी अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं। बट ये लोग अपने आप को बोलते हैं जो नया नया सॉरी जो हिंजड़ा होता है ना वो अपने आप को लड़की दिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही मेकअप करता है लेकिन वो दिखाई देता दूर से, वो हिसाब किताब कुछ इनका है इंडियन मुस्लिम्स का एशियन मुस्लिम्स का। ये अपने आप को अरब से बड़ा मुस्लिम मानो। आप ऐसे कहो कि चाय से ज्यादा कितली गर्म है, प्लीज डू नॉट से एनीथिंग अबाउट सॉरी बिकॉज़ आई डोंट लाइक टू यू नो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कम्युनिटी को लेके। हां मैं वो गलत वो मैसेज जाएगा उनके लिए जी। तो मैम ये लोग इमिटेट करते हैं अपने आप को उनसे बड़ा मुस्लिम दिखाने की कोशिश करते हैं जिस चक्कर में ये लोग जो होते हैं ये अपने आप को भूलते जा रहे हैं। जिसने अपनी हिस्ट्री नहीं जानी जिसको और ये लोग अपना इतिहास भूल चुके हैं कि ये लोग कौन थे, इनको अपने फोर फादर तक का नाम नहीं पता भी, ये भूल चुके हैं कौन थे इनके। अगर आप इनके अंदर इंसान जगाओगे भी या इनके अंदर आप एक बोलते ना एक जज्बा जगाने के लिए एक खतरनाक और एक गौरवान्वित इतिहास चाहिए होता है, वो इनके पास नहीं है। जिनकी आत्मा सोच चुकी है मर चुकी है जो अपने आपको खत्म कर चुके हैं जो मान चुके हैं कि हम लोग नहीं थे, उनको आप कैसे जगाओगे? ये सोए हुए इनको हम ज़ॉम्बी कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, दे आर इक्वल टू ज़ॉम्बीज। और इस्लाम जो है ये वो इंसेक्ट है जो दिमाग में घुस गया एक बार तो ये उसको आदमी को ज़ॉम्बी बना के ही छोड़ता है। एंड उनका मेन मकसद ये रहता है कि कत्ल करो और उस दूसरी चीजों को कब्जा करो और पाकिस्तान आज उसी चक्कर में जूझ रहा है। बाकी मैं भाई आप बोलिए जी हाँ थैंक यू सो मच। अमित भाई आप बोलिए तो मैं इसके बाद स्ट्रीम खत्म करती हूँ। जी हाँ अमित भाई आप बोलिए। अमित जी आप फिर से म्यूट पर हो, आपको बात करनी है ना? आज शायद ये म्यूट पे हैं आप, इनको भी शायद किसी और को आप ले लीजिए, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। कोई मुस्लिम व्यूअर है तो उनको एक बार देख लीजिए। नमस्ते। जी हाँ बोलिए। नमस्ते मैम। जी हाँ जी हाँ बोलिए। नमस्ते मैम, मैं बनारस से हूँ यूपी और आज के टॉपिक पाकिस्तान के कुछ तो कहना चाहता हूँ। ये जो पाकिस्तान है ये हुआ तो इस्लाम के नाम पे अलग
लेकिन वहां पे इस्लामिक शरिया जैसा होता है ना ये कुछ। हेलो भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है बराबर से, आप शायद कहीं बाहर हो जहां पर से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। अमित भाई आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, थोड़ा सा शांति पीसफुल जगह पे आप आ जाइए और फिर दोबारा से जुड़ जाइए। ओके मुझे 2 मिनट ज्वाइन हो जाइए, आप फिर से ज्वाइन हो जाइए, आपको मैं निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत आवाज आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर है अभी खालिद सूफी जी, बोलिए खालिद सूफी जी। आधा वर्ज है जी, आधा वर्ज है, बोलिए जी, बोलिए। जय श्री राम। जो सवाल है, खुदा क्या है या क्या है ये सवाल? खुदा क्या नहीं है, कि खुदा क्यों नहीं उनको उनके ऊपर रहम खा रहा है, क्यों ये हालात हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, खुदा उनको क्यों नहीं रोटी दे रहा है जिन्होंने उनकी इस्लाम के नाम पे पूरा देश बना लिया, काफिरों को काट दिया, मार दिया और इस्लाम को फैला दिया, पूरी दुनिया में फैला के इतने बैठे हुए हैं, वो क्यों आज पूरी दुनिया में बेइज्जत हुए घूम रहे हैं, क्यों उनका कोई योगदान नहीं है मानवता के लिए, क्यों भूख से मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं, औरतें रो रही हैं, वहां मारामारी चल रही है, आटे के पीछे एक दूसरे को काट रहे हैं, अल्लाह कहाँ पर है? क्या मरने के बाद ही अल्लाह कुछ देगा? जीते जी कुछ नहीं कर सकता अल्लाह जी। बोलिए खाली, खुदा कहाँ पर है ये सवाल है ना? हाँ कहाँ पर है भाई साहब, अगर आपको बिजली नहीं मिलेगी आप बोलेंगे नहीं खुद, सरकार कहाँ पर खुद, है? खुद आप खुद कहाँ पर हो? हम यहीं पर हैं। खालिद भाई हमारा क्वेश्चन ये है कि खुदा गल्फ कंट्रीज में तो है बट पाकिस्तान की तरफ को क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन है हमारा। ये तो ऐसा है ना कि ये तो मत समझता हूँ सियासी क्वेश्चन है, मैं सूफीज्म से मेरा ताल्लुक है तो मैं उसको सूफीज्म से जवाब दे रहा हूँ कि आप खुद कहाँ पर हो, खुदा वहीं पर है। अच्छा तो फिर यहाँ पर इन लोगों की क्यों हालत है? अपनी जो उनकी नहीं है, उनकी नहीं बात हो रही है यहाँ, खुद और खुदा की बात हो रही है, उनकी उनकी कोई आपका अपने से मतलब नहीं है ना, आपसे कोई मतलब नहीं है वो। खालिद भाई हम समझ गए, कोई मतलब नहीं है ना भाई, हमसे मतलब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं, आपको मतलब अपने से मतलब है ना भाई, आप खुद खुदा को पाए हो, आपने पाया है, आपने कुरान पढ़ के पाया है तो हाँ, जहाँ पे हाँ। आप खुद हो, आप खुद हाँ। अपनी पहचान हो वहीं पे खुदा है, आपके अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो है आप सूफिज्म में मानते हैं, आप सूफिज्म में मानते हैं, पर आप क्या हर एक आयत जो कुरान की है उसमें मानते हैं? क्या आप ये भी मानते हो? कुरान की बात नहीं हो रही, एक बात करिए ना, एक 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, तो सूफिज्म में ये होता है कि मन अरफा नफ्सहु फकत अरफा रब्बहु। अब पीपी मैम एक मिनट, इन्हीं की बात पे खालिद भाई ट्रेंडिंग है वहीं पर खुदा है, अब इसको एक्सप्लेन कीजिए कैसे? मेरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम है, वहाँ खुदा है ना, तो उसी 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 कम अंडरस्टैंडिंग में आपसे मिलेगा, आपके गुमान के मुताबिक आपका खुदा हो मिलेगा ना, मतलब मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा ना, खुद के अपने गुमान का मतलब अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे मिलेगा, किसी बुक के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं, जान जाओगे। आपने अभी बोला, मैंने अपना तभी अनम्यूट किया खालिद भाई जब आपने बोला कि अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल जो आप है उस पे मिलेगा, तो मिलेगा ना मुझे? मिलेगा नहीं, वर्ड क्या है वहाँ पे? मन अरफा नफ्स, आपने बोला आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मिलेगा, तो मेरे को बताओ मिलेगा? मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो या ज्यादा हो तो मेरे को मिलेगा खालिद भाई? खालिद भाई एक बात सुनो तो मतलब जो भी मतलब आप ये समझते हो कि खुदा सबके पास है, सबके अंडरस्टैंडिंग में, बिल्कुल उसकी अंडरस्टैंडिंग, मन अरफ नफ्स हो के माने वही है। अच्छा सुनो, तो फिर वो अर्श पर कौन बैठा हुआ है, फिर वो कहाँ है? वो दूसरा सवाल हो गया, वो भी आपको पता चल जाएगा, पहले आप अपने नफ्स में जान लो फिर अर्श पे भी पता चल जाएगा। चलिए आप अपने नफ्स में जानो उसको, नफ्स पे जान लिया, अर्श पे भी मान लिया, मुझे बताइए आटा क्यों नहीं दे पा रहे? मान लिया नहीं, ये मान लिया वाली बात नहीं है ये। अच्छा तो आटा दिलवा दो, नहीं ये किसी दूसरे को देने की बात नहीं है, उनकी बिजली का बिल 1500 यूनिट पे आप कम करवा दो,
नहीं कर सकते भाई, हम हमारे लिए करेंगे, आप अपने लिए करना, ऐसा है वो। देखिए उनको कौन, वो भूखे मर रहे हैं, उनका क्या अल्लाह नहीं, वो कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है, क्या मतलब है आपका, खुद से मतलब है, खुदा कहाँ है? सवाल आप खुद कहाँ हो? सवाल ये समझिए, सवाल समझिए, सवाल ये है कि आखिर एक पूरी सोसाइटी का, एक पूरी की पूरी सोसाइटी का इतना कैसे हो सकता है, इतना बुरा पतन कैसे हो सकता है? क्यों ना माने कि इसके पीछे उनकी संस्कृति, उनकी बिलीफ सिस्टम, उनकी किताब ने उनका ये हाल कर दिया है, क्यों ना माने? जी नमस्ते, आप दुबई ले लीजिए, आप सऊदी, इनके पास तेल ना होता तो इनकी हालत आज पाकिस्तान से भी बदतर होती, मैं ये कह रहा हूँ। पाकिस्तान तो फिर भी हम में से निकला है, वो हमारे जैसे लोग हैं तो थोड़ा बहुत इतना सरवाइव कर गए, लेकिन सऊदी और दुबई वाले होते तो इतना भी सरवाइव नहीं कर पाते अगर उनके पास तेल नहीं होता। आपस का सवाल है ये खालिद भाई, आपसे मैं एक क्वेश्चन है, अगर आप आंसर दे पाए तो। फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं आप, मतलब फिलोसफिकल बातें नहीं चाहिए खालिद भाई। ये क्या बोल रहे थे? नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? मुझे जी एक उस टॉपिक पे बात कर रहे थे, ये तो बता दूं, ये टॉपिक पे ये बोल रहे हैं, ये खुदा कहाँ है? तो ये अपने अंदर ही है, एंड ही इज नॉट देयर, एंड ही इज नॉट कहाँ नहीं, कहाँ मतलब लिटरली नहीं, जैसे आप से जो इस्लाम में ज्ञान है नहीं, आप उस बात की बात, उस लेवल की बात करो जो इस्लाम में नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, मैं खाली सबसे बात करता हूँ। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आखिर रोटी देना, सुरक्षा करना, ये आवाज आ रही है मेरी मैम? क्लेम कर रहा है वो सबको, रिजक अल्लाह देता है, यही अल्लाह क्लेम भी करता है कि सबको रोटी देने वाला वही है, सबको पालने पोसने वाला वही है, सबके लिए करने वाला वही है। तो आज उनको जरूरत है अल्लाह की, वो चिल्ला रहे अलग है, तो अल्लाह कहाँ पर है? कहाँ पर है मतलब उनका एड्रेस कहाँ पर है ये नहीं पूछ रहे हैं लिटरली। अरे मैं घर पे है भाई, मुझे आवाज तो थोड़ी, मुझे बात करने दो, मेरे घर पे है अल्लाह। अच्छा आपके घर पे है? अच्छा हमारा नमस्ते। हाँ जी हमारा राम राम। नमस्ते भैया, राम राम जी, और अल्लाह भी बोल रहा है कि राम राम। पीपी मैम जी सब, और आपको ओम जी भाई को, और सब सबको है ना, दिल से पहले नमस्ते जी, राम राम जी। हाँ, और अभी ये क्या बोल रहे हैं खाली साहब, सूफी सर, कि अल्लाह कहाँ पे? अल्लाह अपने घर पे है भाई। सुनो सुनो सुनो, बता रहा हूँ मैं किधर के, हाँ मैं तो सूफीज्म से बात करूंगा ना सब, इनो क्या कर रहे हैं, उनो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो मेरा कोई सर का दर्द नहीं है। मैं ये है कि खुद को जानो और खुदा को पहचानो, बस ये मेरा मैसेज है। नहीं नहीं खुदा, अरे मेरे भाई खुदा को क्यों पहचान, अल्लाह तो अपने पास पड़ा है ना, चलो दिखाओ आपको। हबे भाई, भाई एक मिनट, खालिद भाई आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, देखो आप जिस लेवल की बातें कर रहे हो ना, मैं वो लेवल कुरान और इस्लाम में दूर दूर तक है भी नहीं, ठीक है, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है जो आप बातें कर रहे हो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके ऊपर अच्छा डिस्कशन रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न वो नहीं है खालिद भाई, यहाँ पर प्रश्न वो है कि एक ऐसा माइंडसेट है दुनिया के अंदर जो कि दूसरों को काफिर समझता है, उन्हें मारने काटने में इंटरेस्टेड है, उनको नुकसान पहुंचाने का काम दिन रात कर रहा है, आतंकवादियों को पाल रहा है, पोस रहा है, और आज जिस खड्डे को उसने कभी खोदा था कि इसमें काफिरों को गाड़ेंगे, आज उसी खड्डे में वो खुद गिरा पड़ा है। एक समय था कि अफगानिस्तान में उसने तालिबानियों को प्रिपेयर किया था, उनको बंदूकें, हथियार और सब कुछ मुहैया करवाया था, आज उसी तालिबान से वो खुद पिट रहा है, ठीक है। अब वैदिक सर भी इस्लामिक देश जो है ऐसा नहीं, नॉर्मल नहीं मिलेगा, और अगर कोई नॉर्मल थोड़ा मिलेगा भी तो वो इसलिए मिलेगा, या तो उसके पास तेल का कुआं होगा, या उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी संपत्ति हाथ लग गई होगी, अदरवाइज इन लोगों का कोई योगदान नहीं है मानवता के लिए, ठीक है। इनको बल्कि जो देश इनको हेल्प करता है ये उसी की कब्र खोद देते हैं बाद में, ठीक है। तो इनका ऐसा माइंडसेट क्यों है, ठीक है। हम मैंने एक दिन एक मुसलमान से पूछा कि आप यहाँ पर आए भारत में, आप अपनी बेटी को लेकर आए थे, उसका आपने इलाज कराया, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, किसी काफिर ने से किडनी दी और वो ठीक होकर वापस पाकिस्तान गई, अब उस काफिर का क्या होगा, मरने के बाद दोजख में जाएगा कि जन्नत में जाएगा? कहता दोजख में जाएगा, मोहम्मद को जब तक नहीं मानेगा तब तक तो दोजख में ही जाएगा, और तब तक वो काफिर ही है, उसने साफ बोल दिया, और मैं उसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ करता हूँ, ठीक है। उसने घुमाया नहीं बात को, उसने बनाया नहीं, उसने कहा भाई एज पर इस्लाम ये है, और मैं एज इट इज सामने रख रहा हूँ आपके, ठीक है, सच्चाई से वैदिक सर, ये चीज है। तो इसीलिए आज पाकिस्तान की मदद उसका खुद का उम्मा देश नहीं कर रहा है, सऊदी ने उसको बाहर कर दिया है,
कि हम नहीं कर रहे तुम्हारी मदद, हम अपना पैसा तुम्हें नहीं देंगे, वर्ल्ड बैंक उसे मना कर रहा है, इतनी बुरी हालत की पूरा पूरी दुनिया उसको उस पर थूक रही है, और वो किस पर थूक रही है, जो अल्लाह की एक एक बात पे मतलब कायम रहते हैं, एक आंख बंद करके फॉलो कर रहा है अल्लाह की एक एक बात को, कुरान को, हदीस को, मंदिर सारे तोड़ दिए उसने, काफिरों को काट डाला उसने, उनकी बेटियां उठा के लव जिहाद कर लिया, सब कुछ कर लिया उसने, सारे वो काम कर लिए जिसके लिए आज की डेट में भारत के मुसलमान तरस रहे हैं कि वो कब करेंगे, उन्हें कब मौका मिलेगा, वो सारे काम पाकिस्तान ने कर लिए, उसके बाद ही अल्लाह उनको दो वक्त की रोटी नहीं दे रहा कम से कम, चलो मैं तुम पे खुश हूँ यार, ये लो रोटी खाओ, तुम रोटी का नान खाओ तुम, तो ऐसी हालत की है मुसलमानों की, ये बताइए भव्या जी, म्यूट कीजिए अपने आप को, भव्या प्रो म्यूट कीजिए, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ खालिद भाई आप बोलिए, कुछ बोलना है आपको, फिर मैं बीकेएस जी से भी बीकेएस जी, अब आप ही लोग इतनी समझदारी से बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूं, मेरा तो मैसेज मैंने बता दिया कि दूसरा आदमी मेरे सर का दर्द नहीं है, आपका खुद खुदा जानने के लिए आप अपने आप को जानना है भाई, खुदा नहीं जानना, यहाँ पर टॉपिक सिर्फ खुदा को जानने की नहीं हो रही, यहाँ पर टॉपिक हो रहा है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है उसका क्यों ऐसे हालत हो रही है, इतनी ज्यादा उनकी हालत खस्ता क्यों हो रही है, वो बात हम कर रहे हैं और मैं एक बात शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया इनको खालिद भाई, एक बात सुन लो मेरी भी, और साथ में मेन बात ये है खालिद भाई, एक बात इसके साथ और पॉइंट है, एक तो जो पीपी मैम ने पूछ लिया, पूजा मैम ने पूछ लिया, ठीक है, ऐसी हालत जो ये पाकिस्तान बना था ना, ये दीन के नाम पे बना था, दीन के नाम पे, तो यहाँ पर इतनी बेइंसाफी कर दी अल्लाह ने, हाँ तो कोई भी दे दे जवाब, चलो वो चले गए तो कोई तो दे दे जवाब। हाँ जी बीकेएस जी आप बोलिए, अभी मैं स्ट्रीम, अभी मैं दो तीन हैं इन लोगों से बात कर लेंगे वो, एचएम जी बीकेएस जी बोलिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी बोलिए। ओम भाई सबको नमस्कार। नमस्ते ओम भाई, नमस्कार भाई, नमस्कार, पहचान गए, ओम भाई को देख के मैं तुरंत प्रवेश हुआ। जी हाँ बोलिए जी, बोलिए। थैंक यू। ये पाकिस्तान से कोई बंदा बैठा है कि नहीं बैठा है, तो पाकिस्तान की बात करूं, नहीं तो नहीं करूं। नहीं पाकिस्तान से कोई नहीं है, चले गए वो। ऐसा आए थे पाकिस्तान से अली जी, लेकिन वो चले गए। क्या है पाकिस्तान में इतने अपना मदरसा छाप है ना, तो कभी आगे बढ़ने वाले नहीं, कट्टर है एकदम कट्टर, इनको हिंदुओं को तो रहने नहीं दिया, खत्म कर दिया, तो ये कहाँ से बचेंगे, ये तो खत्म होंगे ना, जैसी करनी तैसी भरनी। जी हाँ सही बात है। जी हाँ जैसे ये लोग किए हैं वैसे भर रहे हैं, भरेंगे, अभी तो कम है, अभी तो ये इतना डिफॉल्ट में जाएंगे कि भीख मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगा, रहा तो ये सब साइड में कर दिया, सब साइड में कर देंगे। जी अब मोदी यदि देने चले तो फिर मोदी की भी जनता विरोध करेगी। जी आप बोल के आप बोलिए। हाँ जी पूज्य मैम जी, मुझे थोड़ा बोलना है फिर मैं निकल जाता हूँ, ठीक है ना। एक है कि पहले तो सैल्यूट आप सबको है, आपको है शायद तो खास, क्योंकि लेडीज तो मैं, और अगर जहां जहां भी औरतें जिंदा रहेगी ना, औरतें धर्म को फॉलो करती है, मर्द नहीं करते कोई, ठीक है ना। तो अगर हमारे यहाँ पे हमारी स्त्रियां, हमारी माँ बहने जितने फॉलो करती है ना धर्म को, मतलब हमारे यहाँ नहीं इस्लाम में या कहीं भी धर्म को बचाए रखा है किसने, औरतों ने, लेडीजों ने, तो आपको मैं पहले से धन्यवाद है। नंबर दो कि ये मूल्य है ना, अभी मैं मतलब दो बार आपके स्ट्रीम में आ चुका हूँ, अभी बाढ़ आने वाली है मैम, रात ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा, ठीक है ना। तो इतना सारा आपको है ना सैल्यूट, मेरे मैं तो है ना मेरे बच्चों के साथ में बैठ के उसको भी दिखा रहा हूँ और उसको भी सुना रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ देखिए ये चलो, अरे आजा बेटा, वो भाग गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है मैम सॉरी, लेकिन मैं सबको सुना रहा हूँ, हमारी फैमिली के बच्चों को भी, कि मतलब छोटे छोटे हैं तो उनको भी मालूम पड़ना चाहिए कि देखिए एक पहले पता है कि आपको खिलाफत का एक आंदोलन हुआ था जी। ये अपना हिंदुस्तान में जब है ना खिलाफत का आंदोलन हुआ था, तो यहाँ से मतलब वो जो खिलाफत वाले वहां से बोल रहे खलीफा हमें चाहिए,
ऐसे भी लोग थे यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो यही सोच मैं अपने बच्चे को पूरा हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आप सभी की चैनलों को साथ में बैठ के और सबको जो ओम भाई है ना, शायद मेरी या दूसरी या तीसरी दफा बात हो रही है ना, तो सबको दिखा रहा हूँ कि देखिए बेटा ऐसा होता है। और अगर हम अभी शिक्षा नहीं देंगे ना तो कल हो गए मतलब। हाँ जी सर जी, यहाँ पर चित्रा जी है, चित्रा जी आप तो क्या कहना चाहिए, अभी और कोई मत जुड़िए प्लीज, अभी मुझे स्ट्रीम में खत्म करना चाहिए। हाँ मैडम, आपको और सभी को नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैं बस एक मिनट दूंगी, ये जो भी भारतीय मुसलमान बहुत गुस्सा हो रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ आ रही है, आवाज आ रही है जी। हाँ आ रही है। तो जो भारतीय मुसलमान बहुत गुस्सा हो रहे हैं पाकिस्तान पे, ये भारत का जो ट्रेड चलता था पाकिस्तान के साथ, इसमें नमक था, गैस का इन्वॉल्व, भारत में अब आना बंद हो गया है, इसका इन्वॉल्वमेंट था, इवन टेक्सटाइल बिजनेस जो पाकिस्तान का ठप हुआ है, कि द ग्रेट भुट्टो ने जाकर के मोदी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है कि ही इज द गोधरा, तो उसके बाद जो है तो भारत को टेक्सटाइल्स भी लेना पड़ा। तो अगर पाकिस्तान इसी तरह से लोगों के अगेंस्ट बोलेगा जो कि उनका पेट भरने में और में उनकी मदद कर रहे हैं, तो ऐसे तो फिर मैडम हालात आएंगे ही ना, कि है कि नहीं। और दूसरा मैं ये बोल रही हूँ कि बस एक बहुत छोटी बात बोलूंगी कि इन लोगों ने सारे भगवानों की मूर्तियां बहुत खुश होकर के तोड़ी थी, सबका धड़ सर से अलग कर दिया था, तो लक्ष्मी जी इसी के लिए भाग गई कि मेरे पापा के पिता को मार डाल रहे हो तो मैं यहाँ पे क्यों रुकूं, मेरे को भी मार डाल रहे हो। अब लक्ष्मी जी चली गई तो रो रहे हैं, लक्ष्मी तो अन्नपूर्णा नहीं, अन्नपूर्णा नहीं तो विष्णु जी नहीं, जब कोई नहीं तो फिर भूखे मरेंगे। चलिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चांस देने के लिए, नमस्ते। क्या इंडियन इंडियन जी आप बोलिए अभी जी। हाँ थैंक यू सो मच। हाँ पूजा 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 दीदी नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। ओम भाई चले गए क्या? ओम भाई को ले लो, ओम भाई से भी बात करनी थी मुझे मैम, उनके लिए तो रुका हूँ मैं इतनी देर से। चले गए जी, बोलिए आप इस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं ओम जी चले गए जी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मुझे आपसे भी बात करनी थी, मैं दूसरी बात आपसे बात कर रहा हूँ, और ओम भाई से भी बात करनी थी मैम। मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी एक वो सज्जाद करके कोई पाकिस्तानी आया था, मतलब ये मेरी अपनी एक राय है, बाकी मैं आप तो हमारे मतलब गुरुजी हैं, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आप ऐसा करो, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रीम आपकी एज ए एक्स मुस्लिम टाइप की होती है उस टाइप पर इन लोगों को ज्वाइन किया कीजिए। अब ये जो मिक्स स्ट्रीम है तो इसमें तो कोई फायदा नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि आज जो मूवमेंट चल रहा है उसमें काफी कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन जो सेकुलर हिंदू है उनके लिए तो कुछ ऐसे जैसे कि जोधपुर डायलॉग, जैसे कि नितिन शुक्ला, ऐसे कुछ लोग जैसे मनोज मुंतशिर, कुछ ऐसे लोग चाहिए जो सेकुलरों को भी जो है कि हिंदू बना सके। आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उनके अपने चैनल्स चल रहे हैं, वो अपने अपने हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं, और मैं तो एक सनातनी हूँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल हूँ, लेकिन मैं सनातनी हूँ तो मैं हर तरीके के स्ट्रीम्स करती हूँ जी। नहीं मैम बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई बार आप वो वाले टॉपिक भी उठाते हैं ना एज ए पुराना वो होने की वजह से। हाँ तो हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसे चैनल बन गए हैं जो इस टॉपिक को तो उठा रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है कुछ ऐसे चैनल सामने आए जो सेकुलर टाइप का जो कीड़ा इनके हमारे लोगों के मन में बैठा है ना, उस कीड़े को दूर करने के लिए भी कुछ लोग सामने आए। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल फीलिंग है मेरी। यस यस सही बात है, आपने सही कहा। तो
तो कुछ लोग ऐसे भी आए जैसे नितिन शुक्ला सर का जो है कि अगर वो देखे हैं उनके वीडियो जो उनके वो, तो मैं समझता हूँ कि अगर जो देखेगा तो वो फिर समझ ही जाएगा। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी आए और प्लस जो आप लोग काम कर रहे हैं और जो ये साहिल एडम है वो तो खैर है ही है अपनी जगह ठीक ठाक चल रहा हो, तब जाके मुझे लगता है कि बहुत जल्दी क्रांति आने वाली है मैम। बाकी ओम भाई से बात करनी थी, खुद ही उन्होंने कहा था अब चलो निकल गए तो कोई बात नहीं फिर कभी बात हो जाएगी मैम, बस इतनी बात थी। बाकी ओम भाई, ओम भाई नमस्कार। जी हाँ जी हाँ जी नमस्कार। अच्छा ओम भाई सुनो, मैं आप जय हिंद वंदे मातरम, आप तो मुझे जानते ही हैं भाई, मैं सिर्फ एक आधा मिनट या एक मिनट बात करके आपको बोलता हूँ। आपने उस दिन बोला था बहुत कुछ मुझे भी पता है, लेकिन भाई सुनो मेरी प्रॉब्लम सुनो, मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, नो प्रॉब्लम, बट मेरी प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आपको दो तीन एग्जाम्पल दूंगा उसके बाद आपको फील करना। हिंदू को बोल दिया कि तुम मूर्ति पूजा करते हो बुद्ध पूजा, ओके। हिंदू को बोल दिया तुम पत्थर पूजते हो, ओके। हिंदू को बोल दिया तुम पेड़ों की पूजा करते हो, ओके। हिंदू को बोल दिया तुम नदियों की पूजा करते हो, ओके ठीक है। हिंदू को बोल दिया तुम गाय को पूजते हो, ओके। कहीं ना कहीं किसी न कहीं हाँ कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कनेक्ट है। लेकिन ओम भाई अगर कोई ऐसी चीज बोल दे कि तुम पेनिस की पूजा करते हो, भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा ओम भाई, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं हिंदू हूँ, अपोजिट हो गया ना बिल्कुल। अभी आपने बोला भाई मैं आपकी बहुत कदर, हाँ बिल्कुल, आप मेरे को कमेंट्स भी करते हो हर उस चैनल पे मेरा, आप मानता हूँ मैं, आपने बोली ये बात। देखो भाई वो जो चैनल था ना, देखो जैसे पीपी मैम का चैनल है, जिस दिन ये रखते हैं कि भाई सनातन के बारे में, या वो लोग रखते, वो तो एक्स मुस्लिम हमारे जितने भाई है वो तो सनातन के बारे में रखते ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ क्या होता है हम जैसे लोगों से बात करने के लिए हफ्ते एक दो हफ्ते में एक स्ट्रीम रखते हैं बात करने। पूजा बहन एक मिनट मैं इनको एक अपनी बात बोल दूं फिर आप सब बोलिएगा। तो वो रखते हैं, तो वो उनकी स्ट्रीम थी वहां पर, तो हम वो लोग नहीं डिफेंड करेंगे यार, या तो वो निकाल देंगे या थोड़ा सा उनके साथ वैसे करके वो निकाल देंगे, क्योंकि वो स्ट्रीम नहीं है, वो टॉपिक नहीं है उसमें। मैं ये बोलना चाह रहा था इंडियन एंडर भाई, मैंने यही उस दिन आपको बोला था टॉपिक। और बाकी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई बोलने का हक नहीं है किसी को उनके बारे में। और हमारे है ना, मैं इंडियन इंडियन भाई आपको बताऊं, ये पीपी मैम का चैनल अगर तो आप पहले से देखते आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे ना, यहाँ भूप जी आते हैं, हमारे शुभम भट्ट जी आते हैं, और इतनी बारीकी से एक एक सनातन के बारे में डिटेल बताते हैं। आप इनके पुराने वीडियो देख लो और टाइम टू टाइम आते रहते हैं, देखो भाई आपको मतलब कि डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे नॉलेज यहाँ से मिली है। ओम भाई ये पूजा दीदी को मैं पता है, वो जो मैंने पिछली बार भी बोला था, वो हमारी बंगाल वाली दीदी थी, वो आजकल दिखाई नहीं दे रही, उस जमाने से देख रहा हूँ ठीक, बहुत पहले से। हाँ मैं ये कह रहा हूँ ओम भाई कि मतलब जैसे कि मान लिया हमारे साहिल भाई के रीच चैनल की 1,71,000 पहुंच गई है, मेरा सिर्फ ये कहता है कि उसमें से अगर 1,70,000 मुस्लिम देख रहे हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है, क्या ऐसा बोल के गलत मैसेज जा रहा है या नहीं? मैं आपको एक बात की बात नहीं कर रहा। इंडियन जी एक बात सुनो, देखो साहिल का चैनल टोटली डिफरेंट है, वो ना सनातन में, वो एथिस्ट है, वो किसी चीज में बिलीव नहीं करता है। तो आप इधर आके अभी जो आप एक, आपको मैं एक क्लियर पिक्चर दे दूं कि वो उनका एक पर्सनल वो है कि वो कोई भी धर्म के ऊपर बात नहीं करते सिवाय इस्लाम के, वो कोई भी धर्म पे बात नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी बात उनसे पूछोगे वो या तो आपको निकाल देंगे, क्योंकि उनका स्ट्रीम एथिस्ट का स्ट्रीम है, समझ रहे हो आप? तो आप अपना अपना ये सवाल लेके कि शिव जी के बारे में या कोई भी बारे में आप बात करोगे वो नहीं बताएंगे आपको कुछ भी, क्योंकि वो खुद इस चीज में है नहीं। और इंडियन इंडियन भाई मैं यहां पे एक बात बता दूं, सुन लो मेरी बात, सुन एक मिनट सोहेल भाई, इंडियन इंडियन भाई अगर मान लो कि हमारे को किसी दूसरी स्ट्रीम में जैसे आपको वो क्वेश्चन लगा, मुझे भी कई चीज लगती है, तो फिर मैं पीपी मैम के पास आ जाता हूँ, यहाँ पर भूप जी इनके चैनल पे बैठे होते हैं, तो हम जो हमारे सनातन के अगेंस्ट कोई बोलने वाले हैं, तो फिर जब जिस दिन इनकी स्ट्रीम होती है जिस चैनल में भी, बहुत सारे चैनल है हमारे, तो वहां पर हम बोल दें कि ये एक्सप्लेन कर दो, और क्या कह सकते हैं, वहां नहीं है ना वो नहीं करेंगे उस टॉपिक पे बात इंडियन इंडियन भाई, वहां बोल के फायदा नहीं है। और उनको पता है कैसे डील करना उन लोगों को जो ऐसे सनातन के बारे में, वो डील कर लेते अच्छे से। जी बोलिए भाई, चलो थैंक यू मच, आज मैं यही कहना चाह रही थी।
बोलना है मैं बात बता देता हूँ इंडियन जी, आप बोल रहे हो पैसे के बारे में, पूजा जी ने आज तक कभी भी किसी से बोला नहीं है कि पैसा देने के लिए या सुपर स्टिकर देने के लिए, ठीक है? वो सिर्फ उनका ये है मेहनत से, वो इन्होंने चैनल स्टार्ट किया है, वो मेहनत उनका मेहनत है, कभी उन्होंने कभी भी कोई भी स्ट्रीम पे पैसे के लिए कभी नहीं कहा है, ये भी याद रख लीजिए। अभी मैं कहने लग गई हूँ सोहेल, लास्ट दो तीन बार मैंने कहा है लोगों को सपोर्ट करो अभी मैं कहती हूँ जी हाँ, नहीं तो मैं इतने टाइम बोलना है वो भी बोलना है बोल सकते वो भी बोलना है और पहले नहीं, हाँ वो मैं भी मानता हूँ पहले नहीं बोला पीपी मैम ने कभी भी, अभी ये दो तीन बार का बोला मैं बोल रहा हूँ और बोलना है, कोई जबरदस्ती किसी को फोर्स तो नहीं है सोहेल भाई, अगर ये तो नहीं है कंडीशन कि हमारे चैनल पे ज्वाइन होना है तो हमें सपोर्ट करना जरूरी है, कमेंट करना है तो या हमें सपोर्ट करना जरूरी, ऐसा तो नहीं है ना, वो एक अपनी इच्छा है। हाँ जी सोहेल भाई बोलिए। हाँ एक बात ही बता देता हूँ, पूजा जी ये पैसा भी क्या है ना, बहुत से लोगों के हेल्प भी किया है, ये भी देखो उन्होंने वीडियो भी डाला है, आप शॉर्ट्स भी देख सकते हो, वो भी देख लीजिए। एनीवे चलो ठीक है, बहुत 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 आभार सोहेल ओएचएम जी और इंडियन इंडियन जी और वैदिक जी, बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग जुड़े और आप लोग का बहुत 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 आभार जी। हाँ जी हाँ वैदिक जी बोलिए। हाँ बिफोर एक मिनट दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न अगेन आ गया, जैसे जैसे ये शिवलिंग को लेकर और इंडियन इंडियन जी बहुत परेशान लग रहे थे, मैं इनकी भावनाएं समझ सकता हूँ, तो ये अंतिम एक मिनट में लूंगा क्योंकि मैं इसमें इसी प्रश्न का जवाब दूंगा, जितने लोग भी सुन रहे हैं वो वंस फॉर ऑल इसे सुन लें, ठीक है? कई लोगों का ये प्रश्न है कि शिवलिंग जो है वो शिवजी का पहनने से, बहुत लोग पूछते हैं, इसका उत्तर ले लिए सीधा सिंपल, जैसे त्रिकोण चकोर षटकोण या लिंग या गोल ये सब आकृतियां हैं, शेप्स, आपने मैथमेटिक्स में भी सुना होगा स्क्वायर ट्राइंगल, ठीक है, हेक्सागोनल, ये शेप्स हैं, ऐसी लिंग शेप है, गोल शेप है, जैसे शिव का प्रतीक लिंग के आकार के होने के कारण इस प्रतीक को शिवलिंग कहते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे कि भूगोल, भू माने धरती और गोल माने स्फेरिकल गोल, तो इसलिए भूगोल, ठीक है? पेनिस को संस्कृत में शशनेन्द्रिय कहते हैं, लिंग नहीं कहते हैं, ठीक है? लिंग का अर्थ, लिंग का एक और अर्थ होता है, वो होता है जेंडर, ठीक है? जैसे स्त्रीलिंग या पुलिंग, अब अगर स्त्रीलिंग को आप, मैं स्त्रीलिंग में जो लिंग है उसे अगर आप पेनिस समझोगे तो वो हो जाएगा स्त्री का लिंग, तो वो तो कोई अर्थ नहीं बना, ठीक है? ऐसे ही ज्ञान लिंग, आत्मलिंग, तो ज्ञान लिंग का मतलब हो गया ज्ञान का पेनिस, आत्मा, आत्मलिंग का मतलब हो गया आत्मा का पेनिस, ठीक है? तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, और शशनिंद पेनिस को संस्कृत में शशनिंद्री कहते हैं, लिंग नहीं कहते, लिंग आकृति है, स्क्वायर रेक्टेंगल हेक्सागोनल सर्कल स्फेरिकल, ऐसी लिंग है हमारे संस्कृत में, ये आकृति है और कुछ नहीं है, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार सोहेल, आप तुम्हारा भी और वैदिक जी आपका बहुत बहुत आभार आप लोगों का जुड़ने का। और मैं बता दूं जाते जाते कि कल मैं थंबनेल डाल दूंगी, कल हमारे साथ एक एक्स मुस्लिम जुड़ने वाले हैं, मुझे थोड़ा सा एनीवे मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, कल वो जुड़ेंगे और वो हमको बताएंगे कि वो कैसे सोशली बॉयकॉट नहीं होने के लिए वो अभी तक ये रूप धारण करे हैं कि वो अभी तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, लेकिन वो है नहीं, तो उनसे जरूर बातचीत करेंगे हम कल, आप लोग जरूर जुड़िएगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, थैंक यू सो मच कि आप लोग जुड़े, और कल फिर मिलते हैं, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि आप सबको, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज जैसे कि कमेंट करते हैं आप, इवन ऑफलाइन आप लोग कमेंट कीजिए, मैं जरूर पढ़ती हूँ, मैं बहुत सारों को जवाब भी देती हूँ, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करूंगी, इवन ऑफलाइन जब आप खत्म हो जाता है ये स्ट्रीम तभी भी आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, थैंक यू सो मच, आप सब इतने दिल से आपने सुना और अपनी अपनी बातें रखी, थैंक यू सो मच, तो कल फिर से हम जुड़ेंगे, आप सबका इंतजार रहेगा, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, और जय श्री राम और हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।